हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीति विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। लोकल गवर्नमेंट, देयर इज टू पार्ट, अर्बन एंड रूरल एरिया लोकल बॉडीज। देयर इज अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, अर्बन लोकल बॉडी। द अर्बन लोकल बॉडी इज अ गवर्नमेंट हियर। इन अवर टाउन एंड सिटीज वी हैव अ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दैट आर कॉल्ड द म्युनिसिपैलिटीज एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। एंड द अर्बन एरिया यूजुअली अ कॉम्पैक्ट और अ डेंस पॉपुलेटेड एरिया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ नेसेसिटी टू प्रोवाइड बेसिक सिविल फैसिलिटी लाइक अ वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, गार्बेज डिस्पोजल, पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड ऑफ द रोड एंड सैनिटेशन। एज अ लोकल लेवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस दैट आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल अराइज द टैक्सेस एंड कलेक्टेड द फीस एंड फाइन फ्रॉम द पब्लिक्स। दे रेगुलेट द सिटी लाइफ बाय द लाइनिंग अप डाउन टू रेगुलेशन रिगार्डिंग टू द बिल्डिंग रोड नेटवर्क एंड द गार्बेज डिस्पोजल। देर आर मेनी डेवलपमेंटल इज एक्टिविटी अंडरटेकन बाय देम लाइक अ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्सेट्रा। The municipal government has made up possible is a participating urban development and local management of the civil facilities. स्थानीय शासन के रिगार्डिंग जो हमारा चैप्टर स्थानीय शासन में जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विषय में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें जो है हम इसके सरकार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसका हमारा पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि शहरी स्थानीय निकास किस प्रकार होती है। देखिए, शहर में अगर आप देखोगे तो अपना एक रूल रेगुलेशन होता है हर एक चीज़ व्यवस्था करने के लिए, और इसके लिए नगर निगम जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सारे मेंटेनेंस करने के लिए अग्रसर होता है। हमारे कस्बे और शहरों में स्थानीय शासन की संस्थाएं होती है जिनके नगर पालिका और नगर निगम कहते हैं। यह एक क्षेत्र प्रायः सदन और अधिक आबादी वाले क्षेत्र भी हो सकते। देखिए, एक सदन क्षेत्र भी हो सकता है, सदन का मतलब होता है छोटी, ठीक है, और एक आबादी वाला क्षेत्र भी हो सकता है, आबादी का मतलब जहाँ पर जनसंख्या अधिक से अधिक हो। नगर पालिका शासन आधारभूत नागरिक सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, पानी की निकासी, कूड़े का निपटारण, जन स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, सड़कें का निर्माण और रखरखाव तथा सफाई आदि का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक होती है। कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार जो है नगर पालिकाएं जिनकी चुनाव स्थानीय लोग करते हैं कि कर लगाने जनता से कर और जुर्माना वसूलने का अधिकार भी देती है। यानी नगर पालिका की जो इलेक्शन होती है आम जनता में ही होती है और जनता से ही जो व्यक्ति चुने जाते हैं वही सारे मेंटेनेंस भी करते हैं। जिन पार्टी की मेजोरिटी अधिक होती है उसी में से जो है मेयर भी चुना जाता है। कहते हैं भवन निर्माण, सड़क निर्माण तथा कूड़े का निपटारण के निमित्त कर से नगर निगम की सुविधाएँ सुव्यवस्थित करते हैं। नारी एवं बाल विकास, झुग्गी वस्तु का विकास कार्य भी इनके माध्यम से ही होती है। नगर पालिकाओं में शहरी विकास एवं जन सुविधाओं के स्थानीय प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का संभव बनाया भी जाता है। तो इस प्रकार जो है नगर निगम का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब उससे अधिक इम्पोर्टेंट जो हमारा आगे का टॉपिक जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए सुधार, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कहते हैं बीए वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि 74 आर्टिकल्स में क्या क्या बातें को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। दबर नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर, रिफॉर्म ऑफ इंड्यूस बाय द 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमाउंडमेंट। देर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द बी ए क्लास एंड प्लस वन एंड प्लस टू एंड एन एस बोर्ड ऑल्सो। देर इज रिकॉमेंडेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्वल इज द कमीशन ऑफ कम्युनिटीज एंड अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इम्प्रूव देयर अर्बन बॉडीज रिजल्टिंग इन देयर इंस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज 74 Amendment Act of 1992, the earlier stage government were free to the manage their local bodies as they are wished. The amendment made a stereotype provision for the establishment and empowerment of functioning of the urban local self-governing institution. The main provision of the act can be grouped under two categories. It is a compulsory and voluntary. There is some of the compulsory provision which are the binding on all the state are. There is a first point here. Constitution of the Nagar is a panchayat, a municipal commissioner and municipal is a corporations and small, big and very big urban area respectively. There is a most important here, the constitution of the Nagar panchayat, municipal
councils and the municipal corporation and the small, big and very big urban areas respectively. There is reservation of the seat in an urban local body is a scheduled caste and scheduled tribes. Roughly is the proportion of their population. And third is the reservation of the seat for the women up to one third of the seat. And the seat election commissions and constituted to order to conduct of election in their Panchayati Raj body, see the 73 amendment, will be also conduct election to be urban local self-governing of bodies. And the state is a finance commissions constituted as a deal with financial affair of the Panchayati Raj bodies and also look into the financial affair of the local, urban and self-government bodies. The tenure of the urban local self-governing the bodies are fixed at the 5 years and in case of earlier dissolutions. And fresh elections are the held without 6 months. That is the most important here. And some of the voluntary provisions which are not to be binding but are expected to be absorbed by the state are. There is a first year, give a voting a right to be member of the union and state legislatures is this is body. And secondly, a providing to reservation for the backward classes. And third is a giving to the financial power in the relation to a tax duty, tolls and free, etc. The making of the municipal body is automance on the devolution of the power to this body to perform for some of all their function immigrated in their 12th schedule added to be a constitution through this act and their prepared plan for economics development. In accordance with the 74 amendment, a municipal corporation and the municipalities is a municipal body or municipal communities are now regulated in the fairly uniform manner in all the state. However, you must be remembered that a local self-government continued to be a subject in the state lease. Thus, the 73 and 74 amendment is a provide to the framework for the state in respect of the local government. Thus, the each state has its own election commission which conduct election to all the local bodies after regular interval of 5 years. Each state has a finance commission to the regulate finance of the local bodies and the cities are resolved in their corporation and municipalities for the scheduled caste and tribes and other third seats are reserved for the women in all local bodies, urban and rural. ये जो आर्टिकल आपके समक्ष आया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए सुधार, देखिए 74वें जो दिया गया है 74 संविधान संशोधन, ये कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीए के जो है फिफ्थ सेमेस्टर में है उन बच्चों के लिए भी जरूरी है ये, ठीक है, और 11वीं और 12वीं के लिए तो है ही जरूरी है, तो आपके समक्ष ही है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है जो आपको करना है, ठीक है। सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए 11वीं क्लास में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रखता है और ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसलिए आपको ये समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि 74 संशोधन में क्या क्या सुधार किए गए थे। कहते हैं समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा शहरी निकाय में सुधार लाने हेतु नियुक्तियां आयोग एवं कमेटियों की सिफारिश और सुझावों की जो है परिणाम स्वरूप संविधान के 74वें संशोधन एक्ट 1992 लागू किया गया था। और पहले राज्य सरकार ने अपने स्थानीय निकाय को अपनी इच्छानुसार प्रबंधन करने की स्वतंत्रता भी दी गई थी, यानी कोई भी व्यक्ति अपने रूल रेगुलेशन की रिगार्डिंग जो है इसको चला सकता है स्वतंत्रतापूर्वक। इस संशोधन ने शहरी स्वशासी संस्थाओं की स्थापना जो है उनके सशक्तिकरण और उनके कार्यप्रणाली के वैधानिक रूप से दिया। और इस एक्ट के मुख्य जो प्रावधानों को दो वर्गों में अनिवार्य और ऐच्छुक में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनिवार्य प्रावधान में से कुछ जो सभी राज्यों के लिए आवश्यक होते हैं कुछ इस प्रकार। देखिए ये पॉइंट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि 70वें जो संविधान संशोधन हुआ उसमें कौन कौन जो है विशेष बातों को ध्यान रखा गया। और ये संविधान जो एक्ट पास हुआ था 1992 में पास हुआ था, तो ये सभी बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है और इससे एग्जामिनर भी काफ़ी आपका जो है प्रोत्साहित करेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी भी है। और इसमें आपको ये भी बात ध्यान रखना होगा कि इस एक्ट के जो है प्रावधानों में दो वर्गों में विभक्त किया गया था, एक अनिवार्य और एक ऐच्छुक के रूप में। चलिए देखते हैं कि इसी कौन कौन सी आवश्यकताएँ जो थी अनिवार्य बनाया गया था 74 आर्टिकल के रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आया था कि छोटे बड़े और बहुत बड़े शहर क्षेत्र में क्रमशः नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निकाय का गठन करना। देखिए 74 आर्टिकल्स का पहली बातें थी, शहरी स्थानीय निकाय में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात पर सीटों की आरक्षण होगी, ये दूसरी बात थी 74 आर्टिकल्स की।
महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना ये भी 74 आर्टिकल्स में दी गई थी। कहते अगर 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज्य स्वशासित संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु गठित राज्य चुनाव आयोग शहरी स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के भी चुनाव करवाएगा। देखिए ये भी बात इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये 73वें संशोधन में था, यानी 74 संशोधन में नहीं है, ठीक है। 73 आर्टिकल्स में था, ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 11वीं क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। पंचायती राज्य संस्थाओं के वित्तीय मामलों को देखने के लिए गठित राज्य वित्त आयोग स्थानीय शहरी स्वशासित निकायों के वित्तीय मामलों को भी देखेगा, ये भी ये प्रावधान किया गया था। उसके पश्चात शहरी स्थानीय स्वशासित निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया था और जल्दी भंग हो जाने की स्थिति में नए चुनाव 6 महीने के भीतर करवाने का भी प्रावधान किया गया था। ये 74 आर्टिकल में संशोधित किया गया था, जो कि काफ़ी जरूरी था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता कुछ ऐच्छिक प्रावधान जो राज्यों पर जो बाध्यकारी नहीं है, परंतु जिनको राज्य द्वारा लागू करने की अपेक्षा की जा सकती है। तो इसमें पहली बात यही आता है कि इस निकायों में संघ अथवा राज्य विधायकों के सदस्यों को मत अधिकार प्रदान करना होता है। दूसरा यही होता है कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण के प्रदान करना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात दी गई थी। करों और शुल्क और सीमा शुल्क और फीस इत्यादि के संबंध में वित्तीय शक्ति प्रदान करना भी इसी के अंतर्गत था। इच्छुक के नगरीय स्वशासनिक संस्थाओं के स्वायत्त बनाना और इस एक्ट द्वारा संविधान में जोड़ी गई 12वीं अनुसूचित में दर्ज कुछ अथवा सभी कार्यों को करने और आर्थिक विकास हेतु योजनाएं बनाने के लिए शक्तियों का हस्ताक्षरण भी इसी के अंतर्गत किया गया, जो कि काफ़ी इच्छुक के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात देखा जाए तो 70वें संशोधन के अनुसार अब सभी राज्यों में नगर निगम और नगर स्वशासन की संस्थाओं के सामान्य रूप से एक ही प्रकार में नियंत्रण किया जाता है। परंतु आपको याद रखना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन अभी तक राज्य सूची का एक विषय है और इस प्रकार 73वां और 74वां संशोधन स्थानीय स्वशासन के संबंध में राज्यों को एक ढांचा प्रदान करता है। यानी जो ये संशोधन हुई 73 और 74 आर्टिकल्स, वो कई मायने में इम्पोर्टेंट था और राज्य को एक ढांचा एक रूप देने के लिए अग्रसर हो गया। इस तरह 5 साल के नियमित अंतराल के बाद स्थानीय निकाय का चुनाव कराने के लिए हर राज्य में एक चुनाव आयोग गठित होती है। स्थानीय निकाय के वित्त और नियमित करने के लिए एक वित्तीय आयोग होता है और नगर निगम और नगर पालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होती है। शहरी और ग्रामीण सभी स्थानीय निकायों में स्त्रियों के लिए एक तिहाई सीट का जो है आरक्षण करने का ये 74 आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते 74 आर्टिकल जब लागू किया गया तो ये सभी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट था, सभी सिटी के लिए इंपॉर्टेंट था, जहां पर नगर निगम की व्यवस्था किया गया, म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया। आज देखो कि बड़े बड़े नगरों में जो है नगर पालिकाओं की जो है स्थापना किया गया और नगर पालिका और नगर निगम जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। अब यह कन्फ्यूज हो गए कि नगर निगम और नगर पालिका अलग है, नहीं दोस्तों, ये दोनों एक ही है, लेकिन कहीं नगर निगम के नाम से जाना जाता है और कहीं नगर पालिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। सिर्फ आपको ये समझना है कि इसका कार्य जो होता है, आपके जितने भी स्ट्रीट लाइट की हो गई, आपका सीवेज की प्रॉब्लम हो गई, डिस्पेंसरी खोलना, ठीक है, रोडों को बनाना, तो सारे के सारे जितने भी मेंटेनेंस के कार्य होते हैं सब जो है नगर निगम या नगर पालिका के अंतर्गत ही आते हैं। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। द म्युनिसिपल बॉडी आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द पर्सन चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द म्युनिसिपल एरिया। हाउएवर द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे बी अ लॉ प्रोवाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन इन द म्युनिसिपल बॉडी ऑफ पर्सन हैविंग अ स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। The member of Rajya Sabha and Lok Sabha and their other member relatives is a counseling and legislative assembly of the state representing a constitutionally which is a compressed volis as a party of the municipal area and the chairpersons of board or committee. There is a most important board or committee. Empowerment of the weaker section of the society and the woman by the deserving the seat for the such a group is one of the important constitutionally provision of the constitutional amendment. The office of the chairperson are also be reserved for the SC/ST and women, thus at the least 1 year out of 5 year duration of the municipal corporation of Delhi. The office of the mayor is the reserved for the women and the 1 year reserved for the councillor of scheduled caste. It is a given a term of 5 years to be a municipalities and
इफ एनी ऑफ देम टू बी अ डिजॉल्वड इट मस्ट बी अ गिवन एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिगेन हार्डेड एंड द नेक्स्ट ईयर टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी वी गिव अ बिलो अ वेरी बेरिफ अकाउंट ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ डेली दिस कॉरपोरेशन कवर एंटायर एरिया ऑफ डेली एक्सपेक्ट स्मॉल पोर्टेशन ऑफ द न्यू डेली वेर अ सीट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज सिचुएटेड द कॉरपोरेशन हैज 136 इलेक्टेड इज अ मेंबर और काउंसलर एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड फोर टू द सिंगल मेंबर वार्ड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड सर्वल सीट आर रिजर्व फॉर अ वूमेन एंड शेड्यूल कास्ट इट इज इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर एंड देर आर 15 पर्सनल nominated by the Delhi Legislative Assembly. The corporation functioned through their various committees. The standing committee began to the most important. The political head of the corporation is the mayor, elected by the councillor for 1 year. A civil servant called to municipal commissioner it is the administrative head. Most other corporations are generally based on this pattern. यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आया है संगठन, देखिए संगठन का मतलब कॉम्पोजिशन होता है। अब इस संगठन का अर्थ क्या होता है, आपने देखा कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसको संगठन के नाम से भी जाना जाता है। नगर पालिका क्षेत्र में क्षेत्रीय जो है निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने लोगों से नगर स्वशासन की जो है संस्थाएँ गठित होती है, परंतु किसी राज्य के विधायकी कानून बनाकर किसी नगर निकाय में नगर प्रशासन में जो है विशेष ज्ञान अथवा अनुभव रखने वाले लोग राज्यसभा के सदस्य लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं की विधान परिषद के सदस्यों को जो उस क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि पूरा या उस क्षेत्र का एक भाग हो सकता है अथवा बोर्ड कमेटी की अध्यक्षता के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी कर सकता है। तो ये संगठन आता है कि इनका एक प्रावधान होती है चाहे वो राज्य के सदस्य के रिगार्डिंग हो या लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं या विधान परिषद के अंतर्गत हो। कहते हैं समाज के कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐसे समूह हेतु सीटें आरक्षित करना इस संविधान संशोधन का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए अध्यक्ष के पद भी आरक्षित किए गए हैं क्योंकि ये जरूरी भी है क्योंकि इससे महिलाओं का जो है काफ़ी प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। और इस प्रकार दिल्ली नगर निगम के 5 वर्ष के कार्यकाल में कम से कम 1 वर्ष के लिए जो है महापैर का पद किसी महिला और एक अन्य वर्ष के लिए किसी अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित होती है। देखिए ये प्रावधान किया गया है, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन कहते हैं हम जिस समय अब जिस काल में आज आ चुके हैं वहाँ पर इन बातों का कोई प्रायोरिटी नहीं दी है। कहते हैं आज हर महिलाएं अपने योग्यता के अनुसार वो ऊँचे से ऊँचे और इवन कि भारत का प्रथम व्यक्ति भी बन चुके हैं, राष्ट्रपति के भी बन चुके हैं। तो यहाँ पर जनजातियों के इतनी आरक्षण भी सही नहीं है। कहते हैं जिसके योग्यता जितना होगा उसको उसी प्रकार से हमें जो है अध्यक्ष बनाना चाहिए या सीट देना चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हम जानते हैं कि हम आधुनिक युग में आ चुके हैं और यहाँ पर कोई जाति जनजाति नहीं है, यहाँ पर सब एक समान है, सबको एक समान लेके जो है अपना जीवन यापन करना चाहिए और सबको जो है एक ही तरह से जो है वैल्यू देना चाहिए। कहते हैं जाति उति के जो नाम से जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे देश के लिए सही नहीं है क्योंकि कहते हैं कई जगहों पर आरक्षित की जो है मुद्दा उठ रही है लेकिन कई जगह पर इसका विरोध भी हो रहा है। तो सरकार को एनालाइज करना चाहिए कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन बनाए जो सभी के लिए जो है न्याय उचित हो। कहते शहरी स्थानीय निकाय के संगठन को समझ पाने के लिए हम नीचे दिल्ली नगर निगम का बहुत संक्षिप्त ब्यौरा देते हैं। यह निगम नई दिल्ली के थोड़े से भाग को छोड़कर जहाँ संघीय सरकार स्थित है पूरी दिल्ली क्षेत्र को देखते हैं। निगम के कहते 134 निर्वाचित सदस्य यानी 34 जो है निर्वाचित सदस्य हैं और उन्हें सार्वभौमिक व्यास को मताधिकार के आधार पर एक सदस्य बोर्ड के सीधे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित भी किया जाता है। यानी इसका अर्थ यही हुआ कि जिनको जो 18 वर्ष की उम्र पास हो चुका हो वो वोट दे के जो है अपने प्रत्यक्षी को चुनते हैं वोट दे के और उसको निर्वाचित करते हैं। महिला और अनुसूचित जातियों के लिए कई सीटें आरक्षित भी की गई है, इन्हें 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और इसके अतिरिक्त इनमें दिल्ली जो है विधानसभा द्वारा मनोनीत 15 सदस्य होते हैं। निगम कई कमेटियों के माध्यम से काम करती है और स्थानीय समिति उन्हें सबसे महत्वपूर्ण है। निगम का राजनीतिक मुखिया महापैर भी होता है और जिसे परिषद का 1 वर्ष के लिए चुनते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी जिसे नियमायुक्त कहा जाता है इसका प्रशासनिक मुखिया होता है। अधिकांश नगर निगम इसी प्रतिमान पर आधारित भी होता है। द नेक्स्ट अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट
टॉपिक हियर, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू बी डिवाइड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज इनटू द टू पार्ट. द फर्स्ट इज अ डिलिबरेट एंड द सेकेंड एग्जीक्यूटिव पार्ट. Their corporation counseling or municipal board or councils consisting of the selected representative of the people constitute the deliberate of part. It act like a legislature. It is a discuss and deliberate of the general municipal policy and the performance. Pass the budget of the urban local body, frame board and policy is related to the taxations, arisings of source and pricing of the service and other aspect of the municipal administration. It is a keep on the eyes and municipal administration and the hold of executive accountable for what is done or not be done. For instance, if water supply is not again properly managed and there is an outbreak of the epidemic, the deliberate of wings criticize and their role of the administration of suggest measuring of improvement. The executive part of the municipal administration is looked after the municipal officer and other is a permanent employees. The all other departmental officer like engineer, finance an officer, health officer, etc. There is a part of municipal corporation here, a function under here, his here control or supervisions, and in the large corporation such as Delhi or municipal, is a Mumbai municipal corporation, the commissioner is usually a senior IAS officer. There is the most important here, the Delhi and Mumbai municipal corporation is a commissioner is a usually as a senior IAS officer. In the municipalities that executive as an officer hold a similar position of the look after the overall administration of a municipality. There is the most important here. The municipal function as here generally classified into the obligator and the discretionary types. The obligator is compulsory, is a function or those that are a municipal bodies must be performed. In this category falls such a function as water supply and constructions and maintenance of the road, street, bridge, subway and the other public work, street lighting, drainage and sewage, garbage collection and the disposal here, and prevention and control of epidemic, some of the obligators function and public vaccination and the inclinations of maintenance of hospital and dispensaries, including inventories and the child welfare center and checking food, is the adulterations, removal of the slum, supply of electricity, maintenance of the cremations and burials ground, and the town planning in the some state, some of this function may be taken over by state government. The directionary is a function or this type that is a municipal body may be take up to found permit there are given less priorities. Some of the discretionary is a functioning and constitutional, and there is a maintenance of the rescue home and the orphans and the housing for the low income groups, organizing a public receptions and provision of the treatment of facility and etc. And there municipal corporation take up to the more function than the municipalities, and there is a corporation like a Delhi, Mumbai, Vadodara, Pune, Hyderabad, which are the known, and there are various city development activity in such a area as a public transport, public park and open space, including municipal zoo and the even milk and electricity supply. The next year is the financial resource of the urban local body. There is the most important topic, financial resource of the urban local body here. The municipal corporation and municipalities arise their urban resource from is a variety of the source as a provides for in the respective municipal law. There is a urban revenue source are the income for taxes and fee and the fine and the area from to municipal enterprise like a land, tanks, market, shop, etc. Besides, this is the bodies receive a grant from the state. Property tax on the land and buildings is the most important source of income of most urban local body. Other taxes is levied by them are the advertisement and tax, provisional tax and etc. Outer the city still is remained an important source of income of municipality in the Western India. Now their trend to about to the abolishing this tax as it is obstruct their free flow of the traffic and the highway. There is also charge fine to the breach of the municipal rule and the regulation from municipal shop and the market and the rest
houses. Is a multi parties is often earn considerable sum of the revenue. It is a general practice for a state to give us grant to their municipal body to improve their revenue position. A state grant in the aid may be on ad hoc basis, or it is can be on the basis of constraint the municipal, like size is a population, slum concentration, location of the town, and etc. The next year, property tax, water tax for water supply. There is the most important. There are some taxes are rated collected by the urban body here. A property tax, water tax for water supply, and sewaging tax, fire tax, tax on the animal and the vehicles, state of the tax, duty on transfer property, and excise duty on content items brought into the cities, and education tax and professional tax. Some other sources of the income are a fine and the fee, such as a fee on the tehsil jari and the tehsil khad is a chaptra, and the license fees on the is a cycle, rickshaw, and the bicycle, etc. Rent for the municipal shop and the fine imposed by the violation of the municipal by the law. यहाँ पर दोस्तों आ गया हमारे शहरी स्थानीय निकाय के कार्य। देखिए इसका कार्य प्रणाली के विषय में जानना भी बहुत काफ़ी रोचक रहेगा और ये आपके लिए जरूरी भी है। किसी नगर और निगम निकाय के संगठन में दो भाग हो सकते हैं, एक विचारक और एक कार्यकारी भाग में विभाजित किया करने का सामान्य परंपरा रही है। निगम जो है परिषद अथवा नगर पालिका बोर्ड का परिषद, जिसमें लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, यानी ये आपके द्वारा ही चुने गए व्यक्ति होते हैं, वो विचारक अथवा विचार विमर्श करने वाला भाग होता है। यह किसी विधायक की तरह काम भी करता है। यह सामान्य नगर निगम नीतियों और निष्पादन पर चर्चा और बहस भी करता है। शहरी स्थानीय निकाय का जो है बजट पारित करता है और टैक्स लगाने से संबंधित संसाधन उत्पन्न करने, सेवाओं की दरें निश्चित करने और नगर प्रशासन के अन्य पहलुओं पर व्यापक नीति भी बनाया जाता है। यह नगर पालिका के प्रशासन पर निगाह भी रखता है और कार्यपालिका को उसके द्वारा किए गए अथवा न किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी भी माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि जल आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं की जा रही है अथवा यदि कोई संक्रमण रोग फैलता है, तो ये विचारक भाग अथवा इस क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि शासन की जो है भूमिका की आलोचना भी करता है और सुधार के लिए उपाय भी बताता है और नगर पालिका के प्रशासन के कार्यकारी भाग की देखभाल अधिकार एवं अन्य स्थायी कर्मचारी भी करते हैं। निगमों में निगम युक्ति कार्यकारी अध्यक्ष होता है तथा अन्य सभी विभागीय अधिकारी जैसे अभियंता, वित्तीय अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी इत्यादि इसके नियंत्रण और निरीक्षण में ही कार्य करते हैं। दिल्ली अथवा मुंबई जैसे बड़े नगर निगमों के युक्त प्राय आईएएस अधिकारी होते हैं। यानी अगर दिल्ली देखा जाए और मुंबई की बात करें, तो यहाँ पर जो होता है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो नियंत्रण करता है वो जो है वरिष्ठ आईपीएस अफसर होता है, जो पूरे इसके कंट्रोल के अंतर्गत आता है। नगर पालिकाओं में कार्यकारी अधिकारी की स्थिति भी इसी प्रकार की होती है और वह नगर संस्था के पूरे प्रशासन को देख रेख करती है और इसी के जिम्मा सारे जो है प्रक्रियाएं होती है। नगर पालिका कार्य के प्राय अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य में वर्गित किया जाता है। अनिवार्य कार्य वे कार्य होते हैं जिन्हें नगर पालिकाओं के अवश्य करना चाहिए। इन श्रेणियों में जल आपूर्ति, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, पानी निकासी और सीवर, कूड़ा इकट्ठा करना, इसका निपटारण, संक्रमण रोगों को रोकथाम और नियंत्रण जैसे कार्य भी आते हैं। कुछ अन्य अनिवार्य कार्य में जन टीकाकरण, प्रसूति एवं बाल कल्याण केंद्र सहित अस्पताल और दवाखाने की देखभाल, खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच भी करना होता है। कहते हैं गंदी बस्तियों की हटाना, बिजली की आपूर्ति, शमशान और कब्रिस्तान की देखभाल तथा नगर योजना आदि सम्मिलित हैं। कुछ राज्यों में इस कार्यों में से कुछ राज्य सरकार भी अपने पास ले सकती है। कहते हैं इच्छुक कार्य वे कार्य हैं जिन्हें नगर पालिका अपने हाथ में ले सकती है यदि कोष उपलब्ध हो। इन्हें कम प्राथमिकता भी दी जाती है। उधर गृह और अनाथालय, कम आय वर्ग के लिए घर बनाना, नगरीय अनुलंधन आयोजित करना यानी अभिनंदन आयोजित करना, इलाज की सुविधाओं का प्रावधान करना इत्यादि कुछ ऐच्छिक कार्य इसी के अंतर्गत आता है। नगर पालिकाओं की तुलना में नगर निगम अधिक कार्य करते हैं और दिल्ली, मुंबई, वडोदरा, पुणे, हैदराबाद जैसे नगर निगम अपने जो है विभाग नगर विकास कार्यक्रमों जैसे सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक पार्क, खुले स्थान सहित चिड़ियाघर और दूध तथा बिजली आपूर्ति तक के लिए जाने सब जाते हैं।
उसके पश्चात हमारे समक्ष शहरी स्थानीय निकाय के वित्तीय संसाधन। देखिए इनका पैसा कहाँ से आता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि ये लोग नहीं कमाते हैं ना मेहनत करते हैं, ये आपसे ही वसूला करते हैं। आपने जितना भी आपने इलेक्शन देखा होगा वहाँ पर आजकल जो प्रावधान बन गई है फ्री करने की, तो उसमें वो लोग अपने जेब से पैसा नहीं देते हैं, आपके ही चीज़ों से पैसे देते हैं। ठीक है, आपके ही जेब से पैसा निकलवाते हैं और आपको झूठे फ्री का जो है आपको झांसा देते हैं। आप सोचिएगा कैसे, तो देखिए यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि नगर निगम और नगर पालिका कानून में किए गए प्रावधानों के अनुसार अनेक प्रकार के स्रोतों से अपने जो है संसाधन जुटाते हैं। उनके अपने राजस्व साधनों में कर, शुल्क और जुर्माने, नगर पालिका को धन जैसे भूमि, तालाब, बाजार, दुकान इत्यादि से होने वाले आय सम्मिलित है, यानी ये सब पे टैक्स चढ़ा देते हैं। जब ये कोई चीज़ फ्री करते हैं, उनको पैसे कमते हैं, तो वो हर चीज़ों पे टैक्स चढ़ा देते हैं। चाहे एक कहते हैं एक पेंसिल खरीदो उस पे भी टैक्स होता है, एक आप माचिस की तिल्ली खरीदो उस पे भी आपको टैक्स लगा हुआ मिलेगा, यानी वो किसी चीज़ को छोड़ते नहीं है, सब उनके टैक्स के अंतर्गत आता है। कहते हैं जो फ्री उन्होंने किया है क्या वो अपने जेब से थोड़ी भरना है, वो तो आपके ही जेब से सब निकाल निकाल के भरेंगे। तो ही कह रहा हूँ ना कि जो जरूरत की वस्तुएं होंगी वो महंगी से महंगी होती चली जाएगी, और आप यहाँ पर जो झूठे आश्वासन में जो फ्री के लालच दे दे के सरकार आप लोगों को मूर्ख बना रहा है, आप उसी में बैठे रह जाओगे। और इससे भारत का विकास नहीं होगा, भारत का विकास कभी हो ही भी नहीं सकता। मैंने अभी बहुत जगह देखा है जहाँ पर बिजली फ्री की गई है वहाँ पर लोग धड़ल्ले से दिन रात बिजली जलाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने इवन ये भी देखा है कि जहाँ पानी फ्री किया है वहाँ पानी जो है ऐसे ही बह रहा है, और किसी राज्य में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ये सारे कुछ हमारे नेचर के लिए खराब होगा और हमारे देश के लिए भी ये कहते हैं ये अच्छा संकेत नहीं है। कहते हम लोग तो लालच के जो है चक्रव्यूह में फंस रहे हैं और सरकार को जिता दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार आपकी भलाई नहीं कर सकता किसी भी तरह से, क्योंकि कहते हैं फ्री का लालच दे के जो है पक्षियों को फंसाया जाता है। आपने देखा है चिड़ियों को हम दाना दे देते हैं कि वो हमारे जाल में फंस जाए, ऐसे ही मंत्री लोग आपको दाने देते रहते हैं और आप लोग लालच की जो है कैटेगरी में फंसते चले जाते हो, और इसी वजह से आपके खाने पीने की वस्तु को जो है इतना महंगाई छू रहा है। जो आप दुकान में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आपका हालत खराब हो जाता है, आप सोचते हो कि क्या खरीदूं और क्या ना खरीदूं, इसका कारण आप स्वयं ही हो। कहते हैं जब तक ऐसे गवर्नमेंटों को आप त्यागोगे नहीं तब तक आपका जीवन जो है सुचारू रूप से चल भी नहीं सकता है। और ये लालच की कैटेगरी सिर्फ एक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, आज सब गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा क्या जाएगा, हमारा तो कुछ भी नहीं जाएगा, हम तो लालच की पिटारा खोलेंगे और उन्हीं से फिर दोबारा पैसा भी वसूलेंगे, हमारा कुछ नहीं जाता है। यही प्रावधान सभी मंत्रियों ने किया है। आप देखोगे कोई अच्छे से अच्छे पार्टी भी आपको कुछ ना कुछ फ्री देने के लालच आपको दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भारत के लोग जो है थोड़ा सा जो है फ्री के बहुत ही शौकीन है, और ये शौकीन उनको जो है ले डूबेगा। जैसे पहले आपको पता है ना कि राजगद्दी की लालसा थी बड़े बड़े जो है महाराजा राजा को, जो आपस में लड़वा दी और अंग्रेज ने राज कर लिया, तो वही नीति आज जो है मंत्री लोग आप लोगों के लिए करते हैं और वो अपना जो है मकसद पूरा भी कर लेते हैं। आगे यही बात दर्शाया गया है कि भूमि और भवनों पर जो है संपत्ति पर अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों की आय का मुख्य स्रोत रहता है। इसके द्वारा लगाए गए अन्य करों में विज्ञापन कर, व्यवसायिक कर इत्यादि, देखिए विज्ञापन पर भी कर लगाए जाते हैं, व्यवसायिक पर भी कर लगाए जाते हैं। पश्चिमी भारत में चुंगी अभी भी नगर पालिकाओं के आय का मुख्य स्रोत, देखिए पश्चिम भारत में चुंगी के रूप में जो है नगर पालिका पैसा वसूलती है आपसे। जब इन टैक्स को समाप्त करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि इससे जो निवाद यातायात के चरण में बाधा आती है। नगर पालिका के नियमों और कानूनों का उल्लंघन करने वाले जुर्माना भी इसके अंतर्गत आता है। नगर पालिका की दुकान, बाजार और विश्राम गृह से नगर पालिका को प्राय अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। देखिए ये जो आपके लिए विश्राम गृह ठंडियों के समय लगाए जाते हैं ना, तो ये फ्री के नहीं होते हैं, इससे भी इनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। दुकान ए बाजार ए विश्राम गृहों से जो है नगर पालिका को प्राय अच्छे राजस्व प्राप्त होते हैं। राज्य अपने नगर निकायों को उनकी राजस्व स्थिति को सुधारने के लिए अनुदान देते हैं। राज्य का अनुदान सहायता तथ्य आधार पर हो सकती है अथवा यह निश्चित सिद्धांतों के आधार पर भी हो सकती है, जैसे जनसंख्या के आधार पर हो सकता है, गंदी वस्तु की संख्या, कस्बों की स्थिति इत्यादि पे। शहरी निकाय द्वारा एकत्र किए जाने वाले कुछ कर एवं शुल्क संबंधी जैसे संपत्ति कर पर भी लगाई जाती है, जल पर भी कर लगाई जाती है, सीवर कर भी होता है, अग्नि कर भी होता है, वाहनों एवं पशुओं पर कर भी होता है,
थिएटर पे भी कर लगाई जाती है, संपत्ति स्थानांतरण पर भी कर लगाया जाता है और शहर में लगाई गई कुछ वस्तुएं पर चुंगी, शिक्षा और व्यवसाय कर। देखिए आपने यहाँ देखा ना, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर उन्होंने कर न लगाया हो, सब कर के अंतर्गत आता है। और ये कर जो है दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और महंगाई इसी वजह से जो है बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए कोई सब्जी साग जो है दूसरे राज्य से आ रहा था तो उसका ट्रांसपोर्ट सस्ता कम था, लेकिन उन्होंने क्या किया, पेट्रोल डीजल इसके रेट बढ़ा दिया, इन्होंने रोड जो है जो टोल टैक्स होती है उसको भी बढ़ा दिया। तो अब क्या करेंगे, जो सब्जी यहाँ पर पहुँचेगा वो तो बहुत महंगी कॉस्ट पे होगा ना, क्योंकि जो बंदा गाड़ी चला रहा था अब थोड़ी है कि 1000 में वो मान जाएगा, आप तो उसको दुगना लेगा, उस बंदे से 2000 लेगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर चढ़ गई, आपके आवश्यक वस्तुओं पर चढ़ गई। तो यही बात तिरपान स्टडी सेंटर जो है सदैव इस बात को उठाता है कि आप लोग समझदार बनो, ऐसे व्यक्ति को चुनो जो लालच नहीं देता हो, सिर्फ आप लोगों की भलाई के कार्य में अग्रसर हो। कहते हैं मंत्री लोग ये भी बात आपके समक्ष करते हैं कि जो भी मंत्री चुना जाता है उनके लिए जो है पानी फ्री होता है, घर फ्री होता है, बिजली फ्री होता है, तो हम जनता को क्यों नहीं दे दे। अरे भाई जब आपको ये चीज़ें जनता को नहीं चाहिए, जनता मेहनत करना जानती है, आप तो उन बड़े बड़े मंत्रियों के ना अगर आपके पास क्षमता है तो उनको बंद करवा दीजिए सारे कुछ, क्योंकि उनको ऐसा फ्री देकर कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। कहते हैं उनको अच्छा खासा तनख्वाह भी होता है, प्लस उनको अलायंस भी दी जाती है इतने कुछ, तो उसको बंद करवा दो ना, जनता को फ्री की लालच क्यों दे रहे हो। जनता समझदार है, जनता को ये बात पता है कि कहते हैं ना मुफ्त की चीज़ों तो जब हजम भी नहीं होता है, और जनता जो हमारे भारत देश का है वो मेहनत करना जानती है और समझती है कि मेहनत का गुण ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं ना बैठे बैठे या सोए सोए हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो अगर आपको अगर बंद करवाना है तो जनता को फ्री ना करके उन व्यक्तियों को फ्री करवाइए जो आपके विभाग में मंत्री बने हुए हैं, उनको सब कुछ बंद करवाइए और कहिए कि आप अपने तनख्वाह से आप अपने लगाइए और तनख्वाह से अपना जीवन यापन कीजिए। तो ये आपके मानूंगा कि रूल रेगुलेशन आपका अच्छा है, लेकिन ये नहीं कि हम तो भाई मंत्रियों को फ्री कर रखे हैं तो हम जनता को फ्री कर देंगे। तो जनता कहते ना, जनता एक कहते ना पाँच उंगली के बराबर नहीं होता है। कोई व्यक्ति समझदार होता है जो लाइट 2 मिनट में बंद कर देता है, कोई होता है जो रात भर चूल्हा छोड़ देता है। तो खुला क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसको पैसा देना नहीं पड़ रहा है, फ्री का है ना, तो फ्री तो बहुत होती है। आप सोचते होंगे कि भाई 300 यूनिट अगर एक इलेक्ट्रिशियन से कैलकुलेशन करवाओगे तो 300 यूनिट एक आम गरीबों के लिए बहुत होती है, इवन कि मिडिल क्लास के लिए बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि 300 यूनिट बहुत बड़ी कैटेगरी में आती है। अगर आपको इस बात को समझना है तो आप 300 जो है यूनिट के बारे में जान सकते हो, आजकल आपको यूट्यूब पे हर जगह इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। और मैं क्या समझाऊं 300 यूनिट के बारे में या 200 यूनिट के बारे में, बहुत बड़ा होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक कैटेगरी होती है, ठीक है। आप मुश्किल से अगर यूज़ करते होगे ना, एक साधारण क्लास में अगर 3-4 बल्ब भी चला रहे होगे, पंखा भी चला रहे होगे ना, तो मुश्किल से आपका 100 यूनिट ही खर्च हो रहा होता है। तो सब सोचिए 300 यूनिट कितना बड़ा जो है लोग प्रोसेसिंग दे रहे हैं, ये तो सभी लोगों को फ्री करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए भी है और हमारे देश की भलाई के लिए भी जरूरी है। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हेयर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर देयर अ साइलेंट फीचर 73 इज अमाउंट इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डूइंग टूडे हेयर। द कंसेप्ट ऑफ पंचायती राज इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द असेंट इंडिया बिलीव दैट अ गुड लीव्स इन द पंच अ पंच हेयर परमेश्वर बट वॉज वेरी एस्टमेटिकली इज अराउंडेड बाय द महात्मा गांधी ही बिलीव इन द पावर टू द सेक्शन ऑफ द पीपल एंड द ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज अ पॉसिबल ओनली थ्रू द विलेज पंचायत देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द विलेज पंचायत हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट ऑफ पंचायती राज वॉट यू मीन इंपॉर्टेंट हियर ऑफ पंचायती राज The right of the British period is a panchayat play a very important role in the social life of the village and also resolve the minor debts among to the villagers under the British rule. The panchayat has lost the respect and the power which they had earlier enjoyed because of the new system of the court. The law and the review of collection through is an independent India one of the directive principle of state policy in the constitution. And directed the unions and the state government to try to take a step to the organized village and panchayats and give them to such a powers and authorities as may be a necessity to enable them to act as a unit of self-government. Panchayati Raj was not taken up to the seriously by the states. However, they are now given to constitutional status. There is a most important topic here, a recommendation of the Balwant Rai Mehta Commutes and the
अशोक मेहता कम्युनिटी। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम व्यू द बलवंत राय मेहता कम्युनिटी 97 सजेस्टेड बाय द डेमोक्रेटिक इज अ डेंटरलेशन ऑफ द थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। देयर इज अ थ्री टायर स्ट्रक्चर राज इज अ कम्युनिटी। देयर इज अ बलवंत राय मेहता इज 1957 and this means that a panchayati raj should be a set up to the three level. They should be furnished there with the sufficient power and the resource. This three tier is a panchayati raj or jila parishad at a district level and panchayat samiti at a intermediate or block level and village or gram panchayat at the village level. There is a Balbant Raya community is the recognized here. In this change, a panchayat samiti was to be a most important, and these three bodies were interlinking as the lower body was represented in the higher body through its chairperson. The panchayati raj of the Balwant Rai Mehta community pattern was the first introduced by the Rajasthan in 1957. There is established here introduced by Rajasthan in 1957. There is an important point note down. The later other states also followed that initially both the people and their state were optimistic about the Panchayati Raj. However, the Panchayati Raj instruction began to decline very soon owing to the government and indifferent the political interference. The Ashok Mehta community set off to the government to review of Panchayati Raj submitted is a report in 1978. This community's appeal to the Panchayati Raj had inculcated is a political awareness among the rural masses. And however, it has not been to successfully is a carrying out a economical development. Unlike the Balwant Rai Mehta community, the Ashok Mehta community suggests a two-tier structure of Panchayati Raj. There is a most important. Who is the suggested the two-tier structure of the Panchayati Raj? There is a Balwant Rai Mehta community and a Ashok Mehta community suggested by the two-tier structure of Panchayati Raj. And these tiers were to be a Jila Parish or district level. And second here is a Madhya Panchayat is an administrative unit between the village Panchayat and Panchayat Samiti in the two-tier structure. The main emphasis was laid for the Jila Parishad and not on the Panchayat Samiti as in the case of the earlier community report. However, there is the recommendation of the Ashok Mehta community could not be implemented due to the refusal to the Janta government in 1980. The state like a Bihar, Uttar Pradesh and Tamil Nadu did not be hold election to the Panchayat for a long. At the same time, many new agencies were set up to the central government of like a district rural development agency to take up the development program in a collaboration with the state government with the Panchayats having no role is in this is a programs. They themselves hardly had any found to be take up the development project in the villages. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है पंचायती राज संस्थाएं। देखिए पंचायती राज संस्थाएं के जो है अनुसार हम इसमें जो है 73 आर्टिकल के विषय में भी जो है बात करेंगे जो कि काफ़ी सुधार करने के लिए बनाया गया था और इसके जो है बलवंत राय मेहता कम्युनिटी और जो है अशोक मेहता कम्युनिटी के विषय में भी यहाँ चर्चा करेंगे और इसको कब स्टिब्लेट की गई थी सारे विचारों पर जो है यहाँ पर डिस्कस हम करने वाले हैं। तो इसी तरह आप जो है देखते रहिए तिरपान स्टडी सेंटर को। तो इसमें यही बात बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाएँ, देखिए पंचायती राज की अवधारणा न केवल पुरानी भारतीय विश्वास है, कहते हैं पंच भगवान रहता, ये तो आपने पहले भी सुना है कि पंच में भगवान रहता यानी पंच जो है परमेश्वर का रूप होता है पर आधारित है और ये अतुल महात्मा गांधी द्वारा पूरे उत्साह से इसका समर्थन भी किया गया था। यानी महात्मा गांधी जो थे पंचायती राज के समर्थक थे, काफ़ी उनका विचार था कि पंचायती राज ही होना चाहिए। वो लोग सभी वर्गों और न्यूनतम स्तर तक लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। गांधी जी हर जो है तबके के जो है बातें रखते थे, उनका हर ताकत तथा तुलमुत जो है लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। वो सिर्फ ग्राम पंचायत से ही संभव था और ग्राम पंचायत ही ये संभव कर भी सकता था क्योंकि महात्मा गांधी का विचार ही यही था कि पंच परमेश्वर का रूप होता है
और इसी प्रकार जो है पंचायती राज की व्यवस्था किया जाए। यानी महात्मा गांधी एक तरह से राम राज चाह रहे थे कि कहीं भी किसी तरह का कोई भी लोगों को प्रॉब्लम ना हो और वो अपना जीवन जो है सुचारू रूप से चला सके। इसलिए महात्मा गांधी ने पंचायती राज का जो है सदैव सिफारिश किया और उन्हें काफ़ी उत्साह भी से समर्थन भी किया और उनका विश्वास भी था कि लोकतंत्र तभी काफ़ी मजबूत हो सकता है अगर पंचायती राज को मजबूत किया जाए। तो इसलिए जो है महात्मा गांधी ने इस पर बहुत ही जोर दिया और काफ़ी इन्होंने इस पर कुछ अच्छा करने की कोशिश भी उन्होंने काफ़ी इस विषय पर किया। कहते पंचायती राज का अब क्या महत्व है। कहते ब्रिटिश युग तक जो पंचायतों ने गांवों के लिए सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ग्रामीणों के बीच कई छोटे विवादों को भी सुलझाया गया है और ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अदालतें कानून और राजस्व संग्रह की नई व्यवस्था के कारण पंचायतों की पुरानी शक्ति और सम्मान समाप्त हो गई है। यद्यपि स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत संघीय और राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने तथा उन्हें ऐसी शक्ति और सत्ता देने के प्रयास करने के निर्देश देते हैं जो उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो, परंतु राज्य में पंचायती राज को गंभीरता से नहीं लिया गया और इन सर्वाधिक दर्जा भी दिया गया। देखिए ये बात तो सही है कि हमारे देश में रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे भी बनाए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इन पर जो है गंभीरता नहीं दिखाई गई और गंभीरता न दिखाने के वजह से जो है ये काफी जगहों पर लागू नहीं हो सका। पश्चात हमारा जो आता है टॉपिक बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश है। देखिए ये बलवंत राय मेहता और कमेटी और अशोक मेहता कमेटी ने ये सिफारिश किया था कि पंचायती राज का स्थापना हो और कहते बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 ने पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचों में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के तरीके सुलझाए थे। यानी बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक जो है बनाने के लिए सिफारिश किया गया था और इसका अर्थ था कि पंचायती राज तीन स्तरों पर स्थापित किया जाए और उन्हें पर्याप्त शक्तियाँ और संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए। पंचायती राज के तीन स्तर इस प्रकार थे, जिला स्तर पर जिला परिषद थी और ब्लॉक स्तर पर मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक समितियों को प्रोहति दी गई थी और गांव के स्तर पर जो है ग्राम पंचायत। तो ये तीन स्तरीय कहा जाता है या थ्री टायर्स है जिसके बाद विषय में हम आगे चर्चा करेंगे वो भी विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो इसमें तीन स्तरीय जो होगा जिला स्तर जिसमें जिला परिषद को लिया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर जो है मध्यवर्ती स्तर या ब्लॉक समिति ली जाएगी और गांव के स्तर पर जो है ग्राम पंचायत लिया जाएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रखता है। इस योजना में पंचायत समिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी और ये तीनों संस्थाएं आपस में जुड़ी हुई थी क्योंकि निचली संस्थाओं को ऊपर की संस्थान इसके अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त था। यानी देखा जाए जो ऊपर वाला था वो कमजोर थी, उसके बाद मिडल वाला जो होता था वो थोड़ा सा मजबूत होती थी और नीचे वाला जो होता था काफ़ी मजबूत होता था। यानी देखा जाए तो बीच वाला जो होता था दोनों को लिंक का काम करता था, यानी दोनों को मिलाने के लिए मध्य का काम करता था। कहते हैं अगर हम देखें तो बलवंत राय मेहता कमेटी की पंचायती राज के प्रारूपों को सबसे पहले 1959 में राजस्थान में लागू किया था। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर कि इसको जो पहली बार जो इसको बनाया गया और इसको लागू किया गया वो किया गया 1959 में, यानी 1959 में इसको कहाँ लागू किया गया, राजस्थान में। बाद में अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया और आरंभ में लोग राज्य दोनों को पंचायती राज के प्रति काफ़ी उत्साहित भी थे क्योंकि उनको लगा कि शायद इससे जो उनकी जीवन है काफ़ी सुधरेगी, परंतु शीघ्र ही सरकारी उदासीनता और राजनीतिक आक्षेप के कारण पंचायती राज संस्थाओं का पतन होने लग गया। तो कहते हैं देखिए दोस्तों ये साफ ये बात आता है कि कोई चीज़ को अगर अच्छे से नहीं किया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे कि आप भी अगर पढ़ाई ढंग से ना करो तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं हो सकते हैं, अगर अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तभी उसको जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो यही बात है कि इन्होंने रूल रेगुलेशन तो लागू कर दिया लेकिन इसमें जो है सरकार की तरफ से कोई भी जो है उचित कदम नहीं उठाया गया जिसकी वजह से त्रिस्तरीय जो थी बिल्कुल पतन के कगार पर आ खड़ी हुई। सरकार द्वारा पंचायत राज की समीक्षा हेतु गठित अशोक मेहता कमेटी ने 1979 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस कमेटी का मानना था कि पंचायती राज ने ग्रामीण लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा कर दी थी परंतु यह आर्थिक विकास लाभ पाने में सफल नहीं हो रह पाई। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के विपरीत अशोक मेहता कमेटी ने द्वितीय पंचायती राज का सुझाव दिया। यानी देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय जो संस्थाओं का जो बनाया था लेकिन अशोक मेहता कमेटी ने इसको द्विस्तरीय बना दिया, यानी दो के ऊपर ला गया, वहाँ पर तीन थे अब यहाँ पर दो को ही जो है प्रोटी दी गई। ये दो थे जिला स्तर पर जिला परिषद और दूसरा थे मंडल पंचायत। यानी जिला स्तर पर जिला परिषद को लिया गया
और मंडल पंचायत, ये जो थे टू जो बिल्स थे उस पर बनाया गया था। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बीच एक प्रशासनिक इकाई थी, यानी त्रिस्तरीय प्रणाली के जो है मुख्य बल जिला परिषद पर था, ना कि पहली कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती समिति पर था। परंतु 1980 में जनता सरकार के गिर जाने के कारण अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका। कहते हैं ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट ही रहता है कि सरकार जिसकी रहती है उसी की चलती है, लेकिन ये जो बनाई गई थी त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय वो काफ़ी जो है ग्राम के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन कहते हैं ना जब सरकार गिर गई तो इसको लागू भी नहीं किया गया, सिर्फ इसको कॉपी में ही और पेजों में ही सीमित रख दिया गया। कहते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य में काफ़ी समय तक पंचायतों के जो चुनाव नहीं करवाए गए। उसी समय केंद्र सरकार ने विकास कार्यक्रम को अपने हाथों में लेने के लिए कई नई एजेंसियां जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिक्रमण गठित, और इन कार्यक्रमों में जो है पंचायत की कोई भूमिका नहीं थी। पंचायतों अपने पास विकास परियोजना के लिए भी कोई पैसा नहीं था। तो इसमें तो जर्नली सी बात है कि कई जगहों पर पंचायती राज थी भी नहीं, और थी भी तो उनको जो है सही से विकास नहीं किया जा सका। अब जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो 73 के जो है बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं हमारा 73 में क्या है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अ साइलेंट फीचर ऑफ 73 अमेंडमेंट। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर ऑफ 73, देयर इज अमेंडमेंट द 73 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड इन द 1992 मेड बाय सेचुरी प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एम्पावरमेंट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 1992, there is a 73 articles here and there is a functioning of the panchayati raj institution and some provision of the amendment are a binding on the state, while the other has been to left to be a decide by the respective state legislatures at their is a discretion. The salient feature of the amendment are flowing here. The first, there is a sum of compulsory requirement for the new law are here, the organization of the gram sabha, the organization of ग्राम सभा, एंड नेक्स्ट ईयर द क्रिएशन ऑफ द थ्री टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर एट द जिला ब्लॉक एंड विलेज लेवल। दैट इज द मोस्ट साइलेंट फीचर ऑफ द 73 अमाउंटेड ईयर। एंड नेक्स्ट अमाउंटेड इज ऑलमोस्ट ऑल द पोस्ट एट ऑल लेवल टू बी फिल बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। एंड नेक्स्ट ईयर इज द साइलेंट फीचर 73 अमाउंटेड ईयर अ मिनिमम एज फॉर द कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाय 21 ईयर। The next year, the post of chairman at the jila and block level should be filled by indirect election. There should be a reservation of the seat of scheduled caste. This is the most important point, note down. There is a scheduled caste and scheduled tribes in their panchayat in the proportion of their population and the women panchayat such as the 1/3 of seat. There is a 1/3 of seat is a reservation for the women of panchayatis, and there is the other is a reservation seat for the scheduled caste and scheduled tribes. The state election commission to be set up to the each state to the conduct election to be panchayati raj institution, the state election commission. And the next year, the tenure of the panchayati raj institution is a 5 year, and if the dissolved earlier, fresh election to be held within the 6 month. A state of finance commission is a set up to the each state every 5 year, and please refer to be 74 amendment discussed above. And some of the provision which are not be binding on the state but only our guidelines are the given voting right to be member of the central and state legislatures is in these bodies, and providing to reservation for a backward classes, and their panchayati raj institution should be given is a financial power in the relation to the taxes and the levies fees etc, and the effort shall be made to make a panchayati is autonomous bodies. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है 73 संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। देखिए दोस्तों 73 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 74 है। 74 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, 73 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि 73वें संशोधन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। कहते 1992 में
जो अधिनियम 73वीं संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना और सशक्तिकरण और कार्य प्रणाली के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए। इस संशोधन के कुछ प्रावधान राज्य के लिए जो है बाध्यकारी थे, जबकि अन्य के लिए संबंधित राज्य की विधायकों के विवेक पर छोड़ दिया गया। इस संशोधन की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। कहते हैं अगर देखा जाए इनकी विशेषताओं के ऊपर, तो कहते हैं नए कानून के लिए कुछ अनिवार्य आवश्यकता थी। पहली बात तो यही आता था कि ग्राम सभाओं का गठन किया गया, इसके रिगार्डिंग जिला ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचों की रचना की गई। साथ में इसकी 73 की और विशेषता थी, वो थी सभी स्तरों पर लगभग सभी पदों के लिए सीधे चुनाव द्वारा भरना था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो एग्जाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये हमेशा रहा है, तो ये इसकी विशेषता जरूर आपको समझना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई। जिला और ब्लॉक स्तर पर जो है अध्यक्ष चेयरमैन पद को जो है अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरना, यानी जो चेयरमैन होगा वो डायरेक्टली नहीं चुना जाएगा, इनडायरेक्टली चुना जाएगा, यानी उसको जो है ब्लॉक स्तर पर जितने बंदे जीतेंगे उनके द्वारा जो है चुनने का प्रावधान किया गया। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किया गया, यानी जितनी जनसंख्या होगी उतने जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट जो रहेगा रिजर्वेशन करके रखा जाएगा। और पंचायतों महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट जो थी आरक्षित की गई, यानी महिलाओं को भी आगे बढ़ने का यहाँ पर मौका दिया गया। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेगा, यानी अगर पंचायती राज्य में चुनाव होगा तो उसका जो है हाई कमीशन यानी चुनाव आयोग द्वारा ही चुनाव करवाई जाने की प्रावधान किया गया। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष ही रहेगा, यदि अवधि पूरा होने से पहले ही भंग हो तो चुनाव जो है 6 महीने के अंदर अंदर करवाना अनिवार्य बना दिया गया। कहते हैं प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो प्रत्येक 5 वर्ष में गठन करना रहेगा। तो ये सारी बातों को जो है यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई। कहते हैं कुछ ऐसे प्रावधान जो बाध्यकारी नहीं थे परंतु केवल मार्गदर्शक के रूप में जो है 73 आर्टिकल्स में सम्मिलित किया गया विशेषताओं के रूप में, तो वो थे केंद्रीय और राज्य विधायकों को इन संस्थाओं को मत देने का अधिकार देना, यानी केंद्रीय और राज्य विधायकों को संस्थाओं में मत देने का अधिकार पूर्ण दिया गया। पिछड़े वर्गों की आरक्षण प्रदान की गई, जो कि बहुत जरूरी थी क्योंकि तभी जो है पिछड़े वर्ग आगे भी आ सकेंगे। और पंचायती राज संस्थाओं की टैक्स और शुल्क लगाने के संबंध में वित्तीय शक्तियां भी दी जानी चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं को व्यवस्थित ही निकाय बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ये सभी बातों को जो है यहाँ पर मार्गदर्शन के रूप में सम्मिलित किया गया। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत। द पंचायत राज सिस्टम इज एस्टेब्लिश्ड इन द अकॉर्डेंस विद द 73 अमेंडमेंट एंड इज अ 3-tier स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द डायरेक्ट इलेक्शन एट द ऑल द 3-tier द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट। एक्सपेंशन फ्रॉम द इंटरमीडिएट टायर इज गिविंग टू द स्मॉल स्टेट हैविंग लेस दैन 20 lakh पॉपुलेशन। देर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट द नोट डाउन There is the small state having less than 20 lakh population. Let mean that they have the freedom not be have to the middle levels of the panchayat. All members of panchayat are directly elected. And however, if a state is a decide, a member of the state legislatures and the parliament may be also be a represent in the districts and middle level of panchayat. There is the most important here. The middle level panchayat are generally known as a panchayat samiti and provision has been to the made for the is an inclusions of the chairperson of the village panchayats in the block and district level panchayat. The provision regarding to reservation of the seat scheduled caste and scheduled tribes has been already been to mention earlier, and however it should also be noted that here that 1/3 of the total seat are reserved from women. And 1/3 women are the quota fixed of the scheduled caste and tribes. The reservation is also provided for the offices of chairperson and the reserved seat are allotted by the rotation to the different continuities and panchayat area. The state is a legislature can be provided for the further reservation for the backward classes. Yeah, other backward classes means OBC in a panchayat. There is the most important here. And that what is the term? Their term is the next topic. The term is amounted provide to the continuously extensions of panchayat. The normal term of the panchayat is of 5 years. If a panchayat that dissolve is earlier, election are held within a 6 months. There is a provision for a state level election commission for the superintendence.
स्टेट लेजिस्लेचर मे बी इन डॉल्स एंड द पंचायत विद सच एज द पावर अथॉरिटीज एज मे बी और नेसेसरी टू द एनेबल द पंचायत एज अ बिकम इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट एट द ग्रास रूटेस लेवल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी आर गिवन टू बी देम टू द प्रिपेयर्स ऑफ प्लान्स फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस Themes of the economic development and social justice with regard to the 29 important matters such as agriculture, primary and secondary education, health and sanitation, drinking water, rural having and welfare to the weaker section and social forestry and so forth may be made by them. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है पंचायत की संरचना, देखिए 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज प्रणाली में त्रिसदरीय ढांचे वाली है और जो प्रत्येक सदर के लिए सीधे चुनाव पर आधारित थी। ये तीन सदर थे, गांव, मध्यवर्ती और जिला सदर। कहते हैं 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती सदर को छूट दी गई थी, यानी 20 लाख से कम आबादी वालों को जो है इस बातों के लिए छूट दी गई थी। इसका अर्थ तक उन्हें मध्यवर्ती सदर पर रखने की स्वतंत्रता थी। पंचायत के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ये प्रावधान भी किया गया था। राज्य विधानसभा और संसद का भी जिला और मध्यवर्ती सदर पर जो है प्रतिनिधित्व दिया जा सकता था, ये भी इसमें प्रावधान किया गया था यदि राज्य बदलना चाहे तो भी। मध्यवर्ती सदर की पंचायतों को प्रायः पंचायती समिति कहा जाता था और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी सरपंच को ब्लॉक और जिला सदर के पंचायत में सम्मिलित करने के जो प्रावधान किए गए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, परंतु यहाँ यह आवश्यक है कि कुल सीटों का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया और इन कोटे में से एक तिहाई अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित का प्रदान किया गया, यानी आरक्षण किया गया इनको और आरक्षित सीटों को अलग अलग पंचायत क्षेत्र के चुनाव क्षेत्र में बारी बारी से घुमाकर निश्चित भी किया गया। राज्य विधानसभा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी जो है अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया, यानी इसमें साफ हुआ जाहिर कि एक तिहाई जो है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजातियों के लिए महिलाओं के लिए जो है सीट आरक्षित किया गया। देखिए ये प्रावधान करना बहुत जरूरी भी था क्योंकि इससे क्या होगा कि जो जनजाति महिलाएं हैं वो आगे बढ़ के अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे। उसके पश्चात एक कार्यकाल, देखिए संशोधन पंचायत के निरंतर अस्तित्व का प्रावधान करता है और किसी पंचायत का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष ही होती है, इसी जर्नली सी बात है। यदि कोई पंचायत पहले भंग होती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने की जो है प्रोविजन होती है। पंचायतों चुनाव करवाने और उनका निरीक्षण, निर्देश एवं नियंत्रण एवं मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया, यानी सारे इलेक्शन का जो है पूरे जो है इंतजाम जो है चुनाव आयोग द्वारा प्रबंधन की जाएगी, ये प्रावधान इसमें सम्मिलित थी। उसके पश्चात पंचायत की शक्तियों और दायित्व, देखिए राज्य विधानसभाएं पंचायतों की ऐसी शक्ति और अधिक दे सकती थी जो उन्हें तुच्छ मूल्य स्तर पर स्वशासन की संस्थाएं बनाने के लिए आवश्यक हो। उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए भी योजना बनाने का दायित्व सौंपा जा सकता था, लेकिन कहते हैं 29 महत्वपूर्ण विषय जैसे कि कृषि जो है प्राथमिक मध्यवर्ती शिक्षा मातृ स्वास्थ्य और सफाई ग्रामीण आवास कमजोर वर्गों का कल्याण और वन क्षेत्र इत्यादि एवं इस प्रकार के अन्य विषय पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना उनके द्वारा बनाई जा सकती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें जो है 73 के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी। आगे का जो दोस्तों टॉपिक रहेगा वो होगा पंचायती राज्य के 3 सतर यानी 3 टायर ऑफ पंचायती राज, जो कि काफ़ी टॉपिक 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल क्लास, देयर 11 CBSE एंड ऑल्सो BA क्लास एंड यूपी बिहार बोर्ड इज ऑल्सो इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट है द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। देयर इज द फर्स्ट पॉइंट इज अ 3 टायर्स हेयर ऑफ पंचायत एट अ विलेज लेवल, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ 3 टायर्स। This is the basis of the grassroots level of panchayati raj. The panchayat for the village are a group of village included. There is a panchayati at a village level. There are 3 types. The gram sabha, the symbol of direct democracy, gram panchayat and nyay panchayat. There is a 3 part of panchayat at a village level. There is a first point of 3 types of structure here, panchayat at a village level. There is a first here panchayat at village level is a gram sabha. The gram sabha here recognized of the gram sabha is an institution of the direct democracy is an important feature of 73 amendment. The gram sabha consists of all adult residents within a village or group of the villages.
एंड दस इट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन द कंट्री. जनरली टू मीटिंग ऑफ ग्राम सभा आर हेल्ड एवरी ईयर्स. इन दिस मीटिंग देयर ग्राम सभा एज द जनरल बॉडी ऑफ द पीपल हेयर एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ पंचायत. इट्स ऑल्सो रिकमेंडेड न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन बाय पंचायत. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. देयर नोट डाउन योर नोट कॉपी. एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द आइडेंटिफाई द पुअर पीपल ऑफ द विलेज सो दैट देयर मे बी गिवन अ इकोनॉमिक असिस्टेंस. एंड द नेक्स्ट पॉइंट हियर अ ग्राम लेवल द ग्राम पंचायत. द सेकेंड पॉइंट हियर द फर्स्ट पॉइंट देयर लोअर टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन द कंट्री इन द विलेज लेवल पंचायत. इट इज नोन एज द मोस्ट ऑफ स्टेट इज अ ग्राम पंचायत. द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत इज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. देयर इज नोट डाउन द पॉइंट हियर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत इज अ फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द विलेज पॉपुलेशन. नोट डाउन दैट दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर. द बेसिस ऑफ द विलेज पॉपुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. द फिक्स ऑफ ग्राम पंचायत इज द फिक्स हियर ऑफ विलेज पॉपुलेशन. And it is different from to the panchayat. At the panchayat, the election is held on the basis of the single member constituency. This point is also important here. As I already mentioned, 1/3 of the total number of seats are reserved for a woman and some of the scheduled caste. There is the most important point here. There are seats of reserved for the woman. There is the most important. 1/3 seat are reserved for the woman and also scheduled caste. And tribes include 1/3 of women of Shudra caste and tribes here. There is the most important line here. And chair person of the Gram Panchayat are called by different names of different state as a Sarpanch, Pradhan, or President. There is the most important. There is a name of different name for the different state. Sarpanch, Pradhan, or President. There is a vice chairperson also is called here, but they are elected by the member of the panchayat. There is a member of panchayat selected by the chairpersons. The gram panchayat generally hold their meeting once of a month, and panchayat at all level constitutionally committee for transactions of their business. The next important here is the part of first their nyay panchayat. And these are judicially panchayat and the remainder of assent village. Panchayat that settles local debt. They are set up to provide speedily and inexpensive justice. Dedication of the Nyaya Panchayat varies from state to state. One such a panchayat is a set up to 5 or more gram panchayat. There is a 10 of the between 3 to the 5 year as determined by the state is a law. The Nyaya Panchayat generally deal with the petty civil and criminal case and case impose fine into rupees 100 only. There are no lawyers to the pleaded to the case in the Nyaya Panchayat and party to be a debtor agree there is an open case. There is a most important point here. There are debtor agree there is an open case on people. The three tier here, the second point here, Panchayat Samiti. There is a part of three tiers here. Second point is a Panchayat Samiti. Note down. Second point here, Panchayat Samiti. The second or middle tier of the Panchayati Raj is a Panchayat Samiti, which is provided as a link between Gram Panchayat and Jila Parishad. This is the most important. Note down the line of your copy. The strength of the Panchayat Samiti also depend on the population in a Samiti area. In a panchayat samiti, some members are directly elected. Sarpanch of Gram Panchayat are ex officio of member of panchayat samitis. However, all the sarpanch and Gram Panchayat are not be member of panchayat samiti at the same time. The number varies from state to state and the rotated annually. It's mean to that only a chairperson of some gram panchayats in a samiti area and member of panchayat samiti at a time. In some panchayat, member of legislative assemblies and legislative council as well as a member of parliament who is a belong to a samiti area co-opted and it is a member. Chairperson of panchayat samiti are generally elected from among their directly elected to the member. The third point here,
थ्री टायर और पंचायती राज देर आर थर्ड पॉइंट हेयर एंड थर्ड टायर्स जिला परिषद एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ द अपर मोस्ट टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम दिस इंस्टीट्यूशन हैज सम डायरेक्टली इलेक्टेड टू द मेंबर वोज द नंबर डिफरेंट फ्रॉम अ स्टेट टू स्टेट एज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन द चेयरपर्सन ऑफ पंचायती समिति आर एक्सो ऑफिसर मेंबर ऑफ जिला परिषद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिलिंग बिलोंगिंग टू दियर डिस्ट्रिक्ट आर ऑल्सो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ जिला परिषद द चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद इज कॉल्ड टू द अध्यक्ष ऑफ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर द वाइस चेयरपर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द सिमिलरली द जिला परिषद इज अ मीटिंग आर कंडक्टेड वंस अ मंथ देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर इज अ जिला परिषद मीटिंग आर द कंडक्टेड द वंस अ मंथ स्पेशल मीटिंग कैन बी ऑल्सो बी कन्वेंस द डिस्कस ऑफ स्पेशल मैटर सब्जेक्ट एंड कम्युनिटीज आर ऑल्सो फॉर्मेड हियर द वन पॉइंट इज कमिंग टू द इज अ टाइम टू टाइम एक्सो ऑफ यू वॉट यू मीन टू एक्सो ऑफ यू हियर अ पर्सन हु इज होल्ड ऑन द ऑफिस नॉट बिकॉज ही शी इज इलेक्टेड टू द पोस्ट बट इज अ विचुअल ऑफ देयर फैक्ट दैट शी इज होल्ड अनदर ऑफिस दोस्तों यहाँ पर जो आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज के तीन सतर देखिए ये एग्जामिनर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा रहा है और ये 11वीं क्लास CBSE के जो बच्चे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है साथ में BA वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है जिनके सिलेबस में जो है थ्री टायर्स ऑफ पंचायती राज है यानी कोई भी बोर्ड की क्लास के बच्चे हों अगर उनमें जो है थ्री टायर ऑफ पंचायती राज है यानी पंचायती राज के तीन सतर है तो ये चैप्टर काफ़ी उनके लिए जो टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण रहेगा अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यही बात बताया गया है ग्राम सतर पर पंचायत देखिए सबसे पहली बात तो यही आता है ग्राम सतर पर पंचायत ये पहला जो है त्रिस्तरीय के ऊपर पंचायती राज का पहला पॉइंट है कि ग्राम सतर पर पंचायत राज का क्या होता है देखिए ये पंचायती राज का आधार अथवा आधारभूत सतर माना जाता है किसी एक गांव अथवा गांव के समूह के लिए पंचायत में ग्राम सभा होना जरूरी होता है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रतीक होता है उसके पश्चात होता है ग्राम पंचायत होती है तो ये सारे के सारे जो है काफ़ी मायने में इम्पोर्टेंट है पहले पॉइंट के अंतर्गत जो हमारा दोस्तों आया है ग्राम सभा देखिए ग्राम सभा क्या है ग्राम सभा यही बताती है थ्री टायर्स के पहले पॉइंट के पहला पार्ट की रिगार्डिंग कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्था ग्राम सभा के मान्यता देना और 73वें यानी 73वें संशोधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है यानी जब संशोधन हुआ तो जो है ग्राम सभा को जो है प्राथमिकता दी गई और इसके रिगार्डिंग संशोधन भी किया गया जिसको इसमें सम्मिलित किया गया थ्री टायर्स के अंतर्गत गांव के सभी व्यास निवासी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं यानी कोई भी जो व्यक्ति व्यक्ति हो चुका हो वो ग्राम सभा के जो ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं अंततः देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अकेली संस्था मानी जा सकती है सामान्यतः ग्राम सभा की वर्ष में दो बैठकें सभाएं होती है और इन सभाओं में ग्राम सभा लोगों की आम सभा होने के नाते पंचायतों की वार्षिक आय व्यय का विवरण रखता है देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए कि यह सभा होने के नाते पंचायतों की वार्षिक आय व्यय का विवरण रखता है लेख परीक्षण रखता है और पंचायत की प्रशासनिक रिपोर्ट को भी सुनाती है यह पंचायतों द्वारा लिए जाने वाले सभी विकासात्मक परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान करता है यानी जो भी विकासात्मक परियोजनाएं बनाई जाती हैं प्लान बनाई जाती है उसको जो है स्वीकृति प्रदान करना ग्राम सभा का ही कार्य होता है यह गांव के गरीब लोगों की पहचान करने में भी काफ़ी प्रदान करते सहायता प्रदान करते भाई देखिए ये ग्राम सभा है तो ग्राम सभा ही ग्राम के लोगों के बारे में जान सकता है और उसका जो है गरीबों को पहचान करने में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है ताकि उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जा सके देखिए जब तक आप गरीब लोगों की पहचान नहीं कीजिएगा तब तक उनकी आर्थिक सहायता करना संभव ही नहीं है इसलिए ग्राम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है थ्री टायर के फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है ग्राम पंचायत देखिए पहले पॉइंट के लेवल के रिगार्डिंग जो है अगर हम देखें दूसरी पॉइंट यहाँ पर ग्राम पंचायत की तो देश में पंचायती राज का निचला सतर ग्राम स्तरीय पंचायत है यानी देखा जाए तो देश में पंचायती राज का निचला सतर हमेशा ही ग्राम स्तरीय पंचायत होती है और अधिकांश राज्यों में इसे ग्राम पंचायत के रूप में जाना भी जाता है यानी इसको हम ग्राम पंचायत के रूप में जानते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य की संख्या को गांव की जनसंख्या के आधार पर ही निश्चित की जा सकती है देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको जो है नोट डाउन करने की आवश्यकता है
और यही एग्जाम में आपको लिखना भी है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। ये पॉइंट कई जगहों पे आप लिख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे तेज होते हैं वो इन इंपॉर्टेंट बात को नोट डाउन कर लेते हैं। अंततः ये प्रत्येक गाँव के लिए भिन्न भिन्न होती है। एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र के आधार पर चुनाव करवाए जाते हैं, यानी वही होता है सिस्टम जो आपको पता ही है। एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र के आधार पर चुनाव करवाने जाने के प्रावधान किया जाता है। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि कुल सीटों की संख्या का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित। देखिए ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह आप पॉइंट डाल सकते हो क्योंकि ये सभी जगह उपलब्ध है कि महिलाओं को आरक्षण दी जाती है। अब देखिए ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं उनमें भी सीटों में जो महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट जो होती है आरक्षित होती है, और कुछ अनुसूचित जाति भी इसमें सम्मिलित होती है जिनमें जनजातियों के लिए एक तिहाई, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए जो सीटें होती है वो आरक्षित कर दी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। अलग अलग राज्य में ग्राम पंचायत का अध्यक्ष अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो ये जर्नली सी बात है। भारत है तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हर क्षेत्र में सभी को कुछ न कुछ अलग नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए अध्यक्ष को यहाँ पर जो है सरपंच भी कह सकते हो, प्रधान भी कह सकते हो या मुखिया भी कह सकते हो, ये कोई भी नाम से आप पुकार सकते हो। ये जिस क्षेत्र में आप रहते हो उसी नाम से आप जानोगे उसको। और साधारण तौर देखा जाए तो उसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है, यानी सब जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट भी होता है, सब प्रेसिडेंट यानी एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। दोनों ही पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, यानी पंचायत के सदस्य द्वारा ही चुने जाते हैं, जो जीत के जाते हैं। ग्राम पंचायत साधारणतः महीने में एक बार अपनी बैठक करती है, जो कि जरूरी भी है। महीने में एक बार बैठक होती है और पंचायत सभी सदस्यों पर अपना काम चलाने के लिए समिति किसे गठित होती है, जुड़ी हुई होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जो हमारा जो है थ्री टायर का सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, यानी त्रिस्तरीय का जो है दूसरा पॉइंट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत जो है पंचायती समिति आती है, यानी पंचायत समिति जो कि थ्री टायर के दूसरा पॉइंट के रूप में है। पंचायती राज का दूसरा अथवा मध्य स्तरीय पंचायत समिति भी कहते हैं, यानी मध्य में रहने वाला पंचायत समिति जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी कार्य करता है। देखिए ग्राम पंचायत और जिला परिषद यानी हमारा थ्री टायर्स होती है, जिसमें पहला आता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ये तीन टायर है और तीन टायर के मध्य जो होती है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति एक तरह से देखा जाए तो जो है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के जोड़ के रखती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बात। पंचायत समिति के सदस्य संख्या भी सीमित क्षेत्रों की जनसंख्या पर ही निर्भर करती है। देखिए ये भी बात इंपॉर्टेंट आ गया ना कि ये जो नोट करने वाली बात है कि पंचायत समिति के सदस्य की संख्या भी जो है उस क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करता है। उस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या होगी उतने ही सदस्य जो है होंगे पंचायत समिति में नियुक्त होंगे। पंचायत समिति में कुछ सदस्य सीधे ही निर्वाचित हो जाते हैं, ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पंचायत समिति में अगर कुछ सदस्य जो होते हैं डायरेक्ट जो होते हैं निर्वाचित हो जाते हैं, यानी डायरेक्ट चुन लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष पंचायत समिति के पदवन सदस्य होते हैं, परंतु सभी पंचायतों के अध्यक्ष एक ही समय पर पंचायत समिति सदस्य नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह है कि एक समय पर कुछ ही ग्राम पंचायत के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। कुछ पंचायतों में क्षेत्र से संबंधित विधायकों, विधान परिषद के सदस्य और सांसदों को भी जो है सम्मिलित सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रायः प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में ही चुन लिया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं हमारा जो है तीसरा पॉइंट जिला परिषद, आखिर जिला परिषद में है क्या, जो कि बहुत काफ़ी नीचे आती है। देखिए जिला परिषद आखिर है क्या, जिला सदर पर जिला परिषद पंचायती राज का सबसे उच्च सदर होता है। देखिए अगर हम इसको डायग्राम फ्लो करें तो सबसे ऊपर वो रहेगा, उसके बाद ये रहेगा और जिला परिषद नीचे आएगा, लेकिन ये नीचे नहीं है, ये सबसे ऊंचा है और सबसे जो है विश्वसनीय भी है, इसलिए इसको नीचे जरूर रखा गया। अगर हम डायग्राम फ्लो देखें तो इसको नीचे जरूर रखा गया है, लेकिन कहते हैं ना जो नीचे होता है वो पावरफुल होता है, उसका मध्य वाला होता है उसके पावरफुल होता है, और उसके बाद जो लास्ट में ऊपर होता है वो कम पावरफुल होता है। तो जिला परिषद काफ़ी उच्च स्तर के होते हैं और इसमें बहुत काफ़ी पावर भी होती है। इस संस्था के अलग कुछ सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, जिनकी संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होती है, यानी तो जनरल सी बात है कि एक राज्य में कुछ और होगी दूसरे राज्य में कुछ और होगा, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि जनसंख्या जितनी होगी उतने ही जिला परिषद सदस्य भी होंगे, जिसको मैंने पहले ही कहा था कि हर जगह ये पॉइंट आपका चल सकता है।
पंचायत समिति का अध्यक्ष जिला परिषद के जो है पदेन सदस्य होते हैं और जिला से संबंध रखने वाले संसद विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को भी जिला परिषद का सदस्य नामांकित किया जा सकता है। जिला परिषद के चेयरपर्सन जिसे हम अध्यक्ष कहा जाता है को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। वाइस जो है चेयरमैन या उपाध्यक्ष को भी इसी प्रकार चुना जाने का प्रावधान किया गया है। जिला परिषद की मीटिंग मास में एक बार की जाती है और विशेष मामलों में चर्चा के लिए विशेष बैठकों की जा सकती है। विशेष समिति भी इसमें अपनाई जाती है। इसमें एक शब्द जो है बार बार आ रहा है वो है पदेन सदस्य। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसलिए पद नहीं होता है कि उसे निर्वाचित किया गया है, अतुल इसके पास दूसरा कोई पद होने के कारण वह पद का हकदार होता है। तो ये पदेन सदस्य के रूप में यहाँ पर लिया गया है, जिसको आपको समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्री टायर फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थ्री टायर हियर? देयर इज फंक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। ऑल द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म सच अ फंक्शन एज द स्पेसिफिक स्टेट एज अ लॉ रिलेटिंग टू पंचायती राज। जनरली स्पीकिंग ऑफ द फंक्शन आर अंडर द फर्स्ट पॉइंट हियर, फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। What is the function of the here gram panchayat? The some static necessity are between to the obligatory or compulsory and optionally function of gram panchayat. Well, other state do not make these distinctions. The civil function relative to the sanitation, cleaning of public road, drain and ponds, public toilet and latrines, primary health care, vaccination, supply of drink water and construction of public well, street lighting, social health and primary and adult education, etc. There is a word function of the gram panchayat. Or obligatory function of the village panchayat, the optionally function depend on the resource of the panchayat and they may be or may not be performed such a functions as the three plantations on the roadside, setting up the breedings, center of the cattle, organized child and the maintenance of welfare, promotion of agriculture and etc. There is a function of Gram Panchayat. After the 73 amendment, the scope of function of Gram Panchayat was evident. Such an important function like a preparation of annual development plan of Panchayat area, annual budget, relief in the natural calamities and the removal of the encroachment of public land, implementation here and the monitoring of poverty alleviation programs are now expected to be performed by the panchayats. Selection of the beneficiaries through the Gram Sabha public distribution system, non-conventional energy source and improved chula biogas plant have also been given a Gram Panchayat in some state. The next function here, the function of the Panchayat Samiti. There is a three tiers here, is a middle. There is a function of Panchayat Samiti. Panchayat Samiti are at the hub of the developmental activity. There is a hub of developmental activity and their head of the block of department officer is a BDOS. Some function are the interested to be them like agriculture, land improvement, and watershed development and social and the farm is a forestry, technical and vocational education. The second type of function related to their implement of some specific plan. CHIMAR program to be with which fund are earmarked. It is a mean to that a panchayat samiti has to spend money only on the specific project. This choose of the location and beneficiaries is however available to the panchayat samiti. The third tier here, the function of jila parishad. There is a third tier is a function. Jila parishad link to panchayati samiti with the district. It is a coordinate there is activity and the supervise there is a functioning. It is a prepare district plant and integrate it to the samiti plant into a district's plant for a submission to the state government. Jila Parishad look after development work in the entire district. It is an undertaking to improve the agriculture production, exported and ground state water resource. Extended rural is electrification and distribution of the initial of implement generating to activity
construction, road and other public work. It is also performed to welfare function like a belief due to natural is a climatis and the scarcity, establishment of the orphanage and the poor home, night, shelter and welfare of women and children, etc. In addition, Jila Parishad perform a function instated to them under to central and state government sponsored program. For example, Johar Rozgar Yojana. Johar Rozgar Yojana is a big central sponsored scheme for which money is directly given to the district to undertake employment generating activity. यहाँ पर जो हमारा बताया गया है कि थ्री टायर्स के जो है फंक्शन, देखिए जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसका क्या कार्य प्रणाली है, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि कार्य प्रणाली आपको पता है कि वही होता है जो शहरों में म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का होता है। तो आप यहाँ पर समझदार हो तो यही बात जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पंचायती राज्य संस्थाओं की कार्य जो होती है, पंचायती राज संस्थाओं के वे सब कार्य करते जिन्हें राज्य कानून में पंचायती राज्य के लिए निर्धारित किया गया है। सामान्य रूप से इसके कार्य जो है कुछ इस प्रकार है। अगर हम पहले टायर्स की बात करें यानी पहले सतर की बात करें तो ग्राम पंचायत के कार्य होते क्या हैं। देखिए ग्राम पंचायत कार्य क्या होगा, कुछ राज्य ग्राम पंचायत के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य में भेद करते हैं जबकि अन्य राज्य ऐसा नहीं करते हैं। सफाई, सार्वजनिक सड़कों की सफाई, सार्वजनिक कुओं का निर्माण, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, सामाजिक स्वास्थ्य तथा प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि से संबंधित नागरिक कार्य ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य, ऐच्छिक कार्य पंचायत के संसाधनों का निर्भर करते हैं। वह ऐसे कार्य तथा अन्य नहीं कर सकते हैं जैसे कि सड़कों दोनों को कोई वृक्ष लगवाना, पशु प्रजनन केंद्र स्थापित करना, बाल और प्रसूति कल्याण केंद्र स्थापित करना, कृषि को बढ़ावा देना इत्यादि। देखिए ये सारे कार्य जो है जनरली आपको पता ही है कि हमारे अगर शहरों में रहते हैं तो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन द्वारा कई कार्य जो है संपन्न की जाती है। तो ये सारे कार्य जो है ग्राम पंचायत कार्य के अंतर्गत भी आता है, तो ये आपको लिए जो होगा याद करना बहुत काफ़ी आसान हो जाएगा। यदि बात करें 73 वे संशोधन के बाद ग्राम पंचायत कार्य का क्षेत्र विस्तृत हुआ है और पंचायत क्षेत्र के वार्षिक विकास योजना बनाना, ठीक है, ये भी कार्य उसमें सम्मिलित है। वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य करना, सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण हटाना, गरीबी हटाने के कार्यक्रम को लागू करना, ये गरीबी हटाने का सब कार्यक्रम जो है इसमें भी सम्मिलित है। कहते हैं हमारे संविधान में हर चीज़ का प्रावधान है लेकिन वो सुचारू रूप से चल नहीं पाती है क्योंकि बहुत से चीज़ जो जगह लोग जो होते हैं करप्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो सारी बातें दिखी गई है जो हमारे देश के लिए विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम की बात कर रखा हो या देख रेख करने जैसे कार्यक्रम पंचायत द्वारा किए जाने की आशा की जाती है। ग्राम सभा के मध्य से लाभान्वित होने वाले चयन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या पारंपरिक चूल्हे, बायोगैस प्लांट्स भी कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत में सौंप दिए गए हैं जहाँ पर ये सारे जो है गरीब लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उसके पश्चात दूसरे टायर के अंतर्गत आता है दूसरा हमारा जो था पंचायत समिति के कार्य। देखिए पंचायत समिति के कार्य क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। पंचायत समिति विकास कार्य का केंद्र माना जाता है यानी पंचायत समिति में ही सारे विकास के केंद्र होते हैं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं, ब्लॉक जो है विकास अधिकारी उनके शीर्ष पद पर होते हैं। कृषि भूमि सुधार हो या पानी का संग्रह का विकास हो, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि जैसे कार्य इनको ही सौंप दिए गए हैं। दूसरे प्रकार के कार्य का संबंध कुछ विशेष योजनाओं को लागू करने से भी होता है जिसके लिए धनराशि निश्चित होती है। इसका अर्थ यह है कि पंचायत समिति को निश्चित परियोजनाओं पर पैसा खर्च करना होता है, स्थान अथवा जो लाभयोगी को चुनने का अधिकार भी पंचायत समिति के पास ही उपलब्ध होता है। अब हमारा जो पॉइंट होगा तीसरा पॉइंट जो कि अंतिम होगा, आपको पता है कि तीसरा पॉइंट थ्री टायर्स के अंतर्गत आएगा तीसरा पॉइंट, जिसमें हम जिला परिषद के कार्य के विषय में चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या है हमारा जो तीसरा पॉइंट आया है जिला परिषद कार्य। देखिए जिला परिषद जिले की पंचायत समिति को जोड़ती है और यह उनकी जो है गतिविधियों के साथ तालमेल भी करती है, यानी गतिविधियों में तालमेल करना ही जिला परिषद का सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है। उनकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण भी करती है कि कैसे कार्य कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो सभी चीज़ों का निरीक्षण करना ही जिला परिषद कार्य माना जाता है। यह जिला की योजनाएं भी बनाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए समिति और योजनाओं का जिला योजनाओं में समाकलन भी करती है। जिला परिषद पूरे जिले के विकास कार्य को देखभाल भी करती है
और यह कृषि उत्पादन बढ़ाने, भू जल संसाधनों के दोहन, ग्रामीण विद्युतीकरण के बढ़ाने तथा वितरण और रोजगार प्रदान करने वाले गतिविधियों को भी शुरू करने और सड़क बनाने अन्य सार्वजनिक कार्य को अपने हाथों में भी ले लेती है। यह प्राकृतिक आपदाएं एवं अभाव के दौरान राहत कार्य जैसे कल्याणकारी कार्य, अनाथालय और जो है निर्धन गृह, रैन बसेरे, महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण इत्यादि कार्य भी जो है जिला परिषद के कार्य के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही जिला परिषद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को अंतर्गत किए गए कार्य को भी करती है। उदाहरण के लिए जवाहर रोजगार योजना केंद्र द्वारा अप्रायोजित एक बड़ी योजना है जिसके लिए पैसा सीधे दिया जाता है और इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध भी कराना होता है। तो ये थ्री टायर्स जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे हर एक क्लास के बच्चे के लिए। अगर जिनके सिलेबस में ये थ्री टायर्स हैं, पंचायती राज के थ्री टायर्स हैं, तो समझिए कि ये जो टॉपिक मैंने बताया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा और उनको करना भी चाहिए। ठीक है, अगर सिलेबस में है तो करना पड़ेगा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत। व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत हियर? द पंचायत कैन बी डिस्चार्ज देयर फंड्स एफिशिएंटली ओनली इफ देयर हैव अ सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स। द फाइनेंशियल रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल पर्सन देयर डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स। फॉर रिसोर्स ऑफ पंचायत डिपेंड मेनली ऑन द ग्राम फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। There is a dependent by, there is a mainly on the gram from a state government. They have a, also have a taxation power and have a some income from a earned by the vested assessed. They may be get a share in the taxes, duties, tolls and fees that are well, there is a collected by their state government. Let us now see that a financial resource panchayati have to be perform their function. The next point here is the most important. The Gram Panchayat is the most state of power of the aligning tax in the vested the Gram Panchayat. House tax, tax on the cattle is impalable properties and the commercially crop, drainage tax, sanitation fees, tax on produce, sorry, in the village, fee for supply of water to the households and the lighting tax and some of the taxes and fees levied by the panchayat. Panchayat can be lapsed of entertainment tax on the temporarily sanitation is a theaters. Taxes on the animal and non-medically is a prohibited vehicles paid for the hire. The Gram Panchayat also receive fund or the income from a property owned by them a common is a grounds, jungles, cattle ground, etc. The sale of produce of dung, other refuse and the careless and dead body of animal is also returned by the Gram Panchayat. They also receive their share in the land review from the state. The next year source of Panchayati Samiti. Panchayat Samiti can improve a tax on facility provided by them as a water drinking or irrigation purpose and the lighting arrangement toll of the bridge maintaining by them. The property has the Panchayat Samiti include a public building, public road construction are maintained out of their fund and all land or other property transferred to them by their government. The Panchayat receive income from the property vested in them and they also receive a grant form of state government. Fund are transferred by the Jila Panchayat or state government. The next and the last year is the source of Jila Parishad. The Jila Parishad are also authorized to the impose of taxes and they may be impose of tax on the person carrying on the business in the rural area for a 6 months. Tax on the brokers is a commissions agent in the market established by them and also tax on the sale of goods in these markets. Tax on the land review can also impose by the Jila Parishad when development teams are interested of them. Necessary funds are also provided and they also receive grant from the state is a donation from the charitable institution and may also rise to the loan. There is a most important for a source of income of panchayat. यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचायत की आय का स्रोत। देखिए पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है,
आपको अगर हमने अभी पढ़ा भी है कि थ्री टायर्स, तो देखिए थ्री टायर्स के अंतर्गत ही जो होगा आय का स्रोत आएगा ना, ये तो जनरल सी बात है। तो कहते हैं पंचायत अपना काम तभी प्रभावशाली ढंग से कर सकती है जब उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो। देखिए जब तक वित्तीय संसाधन नहीं होगा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति के लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि तभी तो वो विकास के कार्य के लिए करने के लिए आगे बढ़ सकता है। मान लीजिए सरकार अगर पैसे नहीं दे रही है तो वो कहाँ से कर लेंगे। लेकिन हमारे देश की विडंबना ये होती है कि सरकार की तरफ से पैसे तो दी जाती है प्रॉपर, लेकिन वो कहते हैं जिला स्तर पर पहुँचते पहुँचते जहाँ पर लोगों की भलाई के लिए चाहिए लगाना होता है पैसा, वहाँ पर आधे से भी कम रह जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में करप्शन की एक बहुत बड़ी लंबी चैन है जिसको हर एक व्यक्ति जो है नकार नहीं सकता, इवन कि आप भी नकार नहीं सकते कि हर जगह जो है करप्शन भरा पड़ा है, तभी तो हमारे गाँव का इतना विकास नहीं हो पा रहा है। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है और उनके जो है आय के स्रोत के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि उनका आय जो होती है उन्हें हमारे से ही लेते हैं, यानी हमसे ही उन चीज़ों का जो है पैसे वसूलते हैं। कई क्षेत्र में आपने देखा भी होगा कि फ्री करने का प्रावधान किया गया है, सरकार की तरफ से फ्री बहुत कुछ दी जा रही है, तो ये पैसा कहीं और से वसूला नहीं जाएगा, आपसे ही वसूला जाएगा और आपका ही जेब ढीला किया जाएगा। तो वो कई रूप के टैक्स के रूप में हो सकते हैं जो कि आप सीधा आपको ज्ञान इस बात की प्राप्त है। कहते अगर देखा जाए हमारा पॉइंट के ऊपर तो कहते पंचायती अपना काम तभी प्रभावशाली ढंग से कर सकती है जब उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो। संसाधन के लिए पंचायत मुख्य राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितने पैसे उसको प्रोवाइड्स करते हैं। मैंने कहा भी था कि जैसे जैसे इस पैसा पहुँचता है राज्य सरकार देती है, वैसे वैसे वो पैसे जो होते हैं धीरे धीरे कम होता चला जाता है। उनके पास का कर लगाने की शक्ति भी होती है और अपनी अथवा नीत संपत्ति से भी कुछ आय प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए एकत्र किए गए टैक्स शुल्क और प्रवेश कर में उन्हें जो है हिस्सा मिल सकता है। आइए हम देखें कि पंचायत के पास अपने कार्य करने के लिए क्या संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा थ्री टास्क के अंतर्गत जो पंचायत ग्राम पंचायत के विषय में हमने चर्चा किया था उनके पास जो है आय के स्रोत के रूप में कैसे प्रावधान होती है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया पंचायत जो है ग्राम पंचायत में कैसे जो रहता है आय का सोर्स बनता है। देखिए अधिकांश राज्यों में टैक्स लगाने की शक्ति ग्राम पंचायत के पास ही होता है। गृह कर हो सकता है, पशु एवं अचल संपत्ति पर कर हो सकता है, व्यावसायिक फसलें हो सकती है, पानी निकास पर टैक्स हो सकती है, गांव में बेचे गए उत्पाद पर भी टैक्स हो सकती है, घरों में दिए गए पानी पर भी टैक्स है, प्रकाश उपलब्ध कराने पर भी टैक्स है। पंचायत द्वारा लगाए गए कुछ शुल्क पंचायत द्वारा लगाए गए कर होती है। पंचायतें अस्थायी रूप से लगे थिएटर पर भी मनोरंजन पर भी कर लगा सकती है। पशु तथा अन्य किराए के लिए चलाए जाने वाले गैर यांत्रिक वाहनों पर भी टैक्स लगाने की प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों को उनकी संपत्ति जैसे मैदान, चरागाह, जंगल इत्यादि से भी आय के रूप में कोष प्राप्त होते हैं। गोबर, कूड़ा, जानवरों के मृत शरीर को बेचने से भी ग्राम पंचायत को आय का जो है प्रावधान हो जाती है। वो राज्य से भू राजस्व भी अपना हिस्सा प्राप्त कर लेती है। तो ग्राम पंचायत के जो है अनुसार इन सारी चीज़ों से जो होता है उनको इनकम मिलती है, यानी आय प्राप्त होती है। उसके पश्चात है पंचायत समिति। देखिए पंचायत समिति से भी उनको पैसे जो है प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। पंचायत समिति अपने द्वारा प्रदान किए गए सुविधाओं पर टैक्स लगा सकती है, जैसे पेय जल के ऊपर टैक्स लगा सकती है अथवा सिंचाई के लिए दिए गए पानी पर भी टैक्स लगा सकती है। प्रकाश प्रबंधन किया है उसके ऊपर भी टैक्स होती है। आपके अगर आसपास अगर बल्ब जल रहे हैं तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि सरकार ने आपको जो है बल्ब लगा के दिया या बल्ब जो है सरकार पैसा भरेगी। नहीं दोस्तों, ये पैसा आपको ही भरना है और आपके ही किसी न किसी रूप में आपको ही प्राप्त होगी। अपने प्रबंधन में रखे गए पुले इत्यादि पर से भी पैसे वो इकट्ठा कर सकती है। पंचायत समिति की संपत्ति में सार्वजनिक भवन, अपने कोष से निर्मित रख रखाव वाली सार्वजनिक सड़कें और सारी भूमि अथवा सरकार द्वारा स्थानांतरित अन्य संपत्ति सम्मिलित होती है। पंचायतें अपनी समिति संपत्ति के आय प्राप्त करती है और राज्य सरकार का अनुदान भी प्राप्त करती है। देखिए ये अपना संपत्ति से भी आय प्राप्त करती है और सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान से भी प्राप्त करती है। जिला पंचायत और राज्य सरकार भी मध्यवर्ती सत्रों द्वारा लागू होने वाले योजनाओं के लिए पैसा स्थानांतरित करती है। यानी आपने देखा होगा कि अगर आपके पास खेत होगा तो उसको साल में एक बार जो है कराना पड़ता है एंट्री, तो उसमें आपके पैसे लगते हैं, तो वो सारे पैसे जो होते हैं टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है।
कहते टोल टैक्स उनसे भी लिया जाता है जो किसी सुविधा का प्रयोग करते हैं, इसलिए किसी पुल पर से गुजरने वाले से एक नाम मात्र की राशि पुल के टोल टैक्स के रूप में ली जा सकती है। तो ये भी प्रावधान किया गया, आपने देखे ही होंगे कई जगहों पर जो है टोल टैक्स अलग बने होते हैं जहाँ पर आपसे पैसे उछले जाते हैं। उसके पश्चात अंतिम सोर्स जो होता है जिला परिषद के रूप में होता है। जिला परिषद भी टैक्स लगाने का अधिकार रखती है, वह 6 माह से ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार करने वाले पर, दलालों पर, उसके द्वारा स्थापित मार्केटिंग पे आधार करने वाले पर तथा मार्केट में सामान की बिक्री पर टैक्स लगा सकती है। जिला परिषद भू राजस्व में भी टैक्स लगाने की प्रावधान किया गया है। जब कोई विकास योजना उसे सौंपी जाती है तो आवश्यक जो है कोष भी प्रदान किया जाता है। यह राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकती है अथवा धर्मस्थल संस्थाओं से दान प्राप्त कर सकती है और ऋण भी ले सकती है। दवर नेक्स्ट टॉपिक इज हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवोल्यूशन ऑफ द पंचायती राज। व्हाट इज एवोल्यूशन ऑफ द पंचायती राज हियर? द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रास रूट इज अ डेमोक्रेसी एट द बोथ रूलर एंड अर्बन लेवल हैज नॉट फ्लोरिश इन देयर कंट्री। Some of the major reasons behind his failure are politicizations of administrations, entry of criminals element in the elected to the bodies, and the rampant corruptions, and caste and group for division priorities to be self-interest over public welfare and electoralism malpractice. The 73 articles amended stick to the radically altered to the power relation in the village and reserving seat or for a scheduled caste, tribes and backward classes and women, however in their absence of the proper education, trainings and economic independence. And this group are unable to assess themselves. Literacy is poverty and unemployment are the major handicaps. Urgent step need for the taken to efficiently deal with their problem in order to the facility of participators to development. And that there is a provision from to reservation of the seat from a woman has been manipulated by their male counterpart. So mostly their husband, it is intended to the empower them to the some extent. They are then increasingly incomings await their right of responsibility and their assessing to themselves in the container case. This is a definitely to very positive development. The last constitutional amendment has accorded to the Lord Dens of the financial resource, the local self-governing institution. However, they still remain starved to fund. Taxation power has been given to them, but they are unable to be collect enough taxes. So due to be a scarcity of resource, a panchayati are not able to fulfill their role as a self governing institution or carrier of the economics development in a countryside. The panchayat are subject to the various control by the state governments. The state government are authorities to be cancel their resolution and even dissolve them. However, 73 constitutional amendment has made to the compulsory for the state to hold election of panchayati raj bodies within the 6 months of their dissolution. It is necessary that the people participate activity in the democratically elected panchayat. This can be ensured through the Gram Sabha. Through the Gram Sabha, as a people can question and is demanded explanation from a panchayat. Gram Sabha can be hemorrhage is need to and the privileges of the peoples and also plan direction of the village development. And the Gram Sabha can successfully play to the role of scoring of democracy at the gross root if they are invaded with the sufficient authority. The overall social, economic and the cultural development of the rural area depend on the strong panchayat. The panchayat as the foundation of the democracy as a root is a grassroot can be strengthened only the responding faith of them. And invading there is with the aquatic administrative and financial power and encouraging to the willingness and the active participation of the people. कहते हैं पंचायती राज्य का मूल्यांकन। देखिए पंचायती राज्य का मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर हमने इसके सारे पार्टों को समझने की कोशिश किया है, चाहे उसके फंक्शन हो चाहे इसके इनकम रिसोर्स हो, तो इसका मूल्यांकन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर जो है
मूल सतह पर जो लोकतंत्र की अवधारणा फल फूल नहीं पाई है। देखिए कल फल फूल क्यों नहीं पाई है, कुछ ना कुछ तो कारण इसका जरूर बनेगा ना। इसलिए असफलता के पीछे कुछ मुख्य कारण जो है, प्रशासन का राजनीतिकरण, निर्वाचन संस्थाओं में अपराधियों का प्रवेश, व्याप्त भ्रष्टाचार, जाति और वर्गीकरण विभाजन, जन कल्याण के ऊपर स्वार्थ को प्राथमिकता और चुनावी अनाचार है। देखिए कहते हैं कोई भी देश तभी फल फूल नहीं पाता है क्योंकि आज देखा जाए तो राजनीति में हर जगह कहते गलत तत्वों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। कोई अच्छा व्यक्ति करना चाहता है तो उसको करने नहीं दिया जाता है, और जो कहते हैं जो अच्छा कर रहा है वो कर नहीं पा रहा है। तो ये प्रावधान बहुत ही जो है विडम्बनापूर्ण है, और इसको शायद कहते हैं ना इस संसार में तो निमटाना मुश्किल ही पड़ गया है। नहीं अगर देखिए अगर ये राजनीतिक में इन चीज़ों का अगर प्रावधान रहेगा तो राजनीति कभी भी आगे फलफुलित नहीं हो पाएगी, और इवन कि लोगों का जीवन भी जो है तहस नहस हो जाएगा। लेकिन ये सब कब होगा, जब आप लोग समझदार होगे, आप लोग समझ जाओगे कि कौन आपके लिए सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है, तभी जाके हमारे देश में कुछ बदलाव होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि करप्शन में यहाँ पर ख़त्म हो ही जाएगी, कहते हैं करप्शन तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी। करप्शन तब पैदा होती है जब इंसान की सोच ऐसे रहती है, लालच रहती है, तो लालच रहेगा तो करप्शन सदैव भी अपने जो है पैर बैठा के रखेगा। चाहे कोई सरकार ये क्यों ना कहते कि आप फ़ोन रिकॉर्ड करो, ये रिकॉर्ड करो, भाई इससे जो है शातिर अपराधी और सतर्क हो जाते हैं और उनका जो है करप्शन करने का तरीका भी बदल लेते हैं वो लोग। तो ये करने से आप करप्शन दूर नहीं कर सकते हो। करप्शन दूर करना है तो आप अपने मंत्रियों को समझाइए, करप्शन कोई आम गरीब बंदा नहीं कर रहा होता है, करप्शन बड़े बड़े लोग कर रहे होते हैं जो अच्छे खासे पोस्ट पे होते हैं। आप सोचिएगा कैसे, मान लीजिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है और सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको सरकारी दफ्तर में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र होता है ना, वो कहाँ बनता है, सरकारी दफ्तर में ही बनता है, और कहीं जगह पर बनाई नहीं जा सकती है, और इसको कोई स्कूल वाले या कोई भी संस्था आपको मान्यता भी नहीं देगा। तो मान लीजिए आप कहाँ जा रहे हो, आप अपना सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो किसी संस्था में, और वो सरकारी संस्था है, उस बंदे ने क्या किया, 500 की पत्ती मांगा आपसे, लेकिन आप बहुत ईमानदार थे, आपने कहा कि नहीं देना, मैंने जो मर्जी कर लो। आप हर जगह गए कि भाई मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, कैसे बनेगा, सब बंदों ने वही 500 की पत्ती का आपको मुंह फाड़ा। अब क्या होगा इस प्रोविजन में, इसमें अब यही होगा ना कि एक लिस्ट आपको उसको 500 रुपया देना ही पड़ेगा, और वो व्यक्ति कौन था, सरकारी व्यक्ति था। तो आप समझिए ना, यही बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कहते हैं आम गरीबों में करप्शन नहीं है, आम गरीब तो परेशान हो रखी है करप्शन के चक्कर में। कौन व्यक्ति जो है 500 रुपया फालतू में देना पसंद करेगा, जहाँ पर 100 का काम होगा कोई नहीं देना पसंद होगा करेगा यहाँ पर। तो इसमें करप्शन, सरकार ये कहती है ना कि जहाँ भी मांगा, अरे भाई अपने डिपार्टमेंट को समझाओ ना, अपने डिपार्टमेंट को सही बनाओ। करप्शन कौन लोग पकड़े जा रहे हैं, जो बड़े बड़े अफसर हो रहे हैं, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो करप्शन में पकड़े जा रहे हैं, आम गरीब नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो करप्शन यहाँ पर सबसे अधिक राजनीतिक में है, और कहते हैं लोग कि आप करप्शन की बनाई, यार भाई हम कितने वीडियो बनाते रहे और वीडियो भी बना लेंगे, क्या वो बंदा मुझे छोड़ देगा, संभव ही नहीं है, वो कोई ना कोई रूप से हमारा जो है सत्यानाश ही कर देगा। तो सरकार को यहाँ इस बात पे देखना पड़ेगा कि आम जनता करप्ट नहीं कर रही है, बड़े बड़े अफसर जो हैं, बड़े बड़े नेता लोग सब हैं जो करप्ट में लिप्त हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी नेता जो है करप्ट ही हैं, बहुत से ईमानदार भी हैं, लेकिन जो ईमानदार है उनको ईमानदारी से चलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बातें जो हमारा पंचायती में जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं उसमें जो है सबसे बड़ा विडम्बना यही है कि हमारा लोकतंत्र की अवधारणा फल फूल नहीं पाई है, इसी कारण से कि इसका कारण जो है राजनीतिकरण है, निर्वाचन संस्थाओं में अपराधियों का प्रवेश हो गई है, व्याप्त जो है भ्रष्टाचार है, और जाति और वर्गीकरण विभाजन है, आज जाति पर भी जो है पॉलिटिकल अच्छा खासा हो जाती है, ठीक है, जन कल्याण के ऊपर स्वार्थ और प्राथमिकता और चुनावी अनाचार भी है। कहते हैं 73 संशोधन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए सीट आरक्षण करके गांवों के ढांचों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है, परंतु उसके उचित शिक्षा की कमी, प्रशिक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी के कारण ये समूह अपनी शक्ति प्रकट करने में असमर्थ हो जाती है। कहते हैं निरक्षरता, गरीबी और बेरोजगारी मुख्य सबसे बड़ी बाधा है। अब यही बात क्वेश्चन आवाज आता है, निरक्षरता क्यों है, गरीबी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भाई महंगाई है सबसे बड़ा, क्या है, महंगाई है, महंगाई गरीब लोगों को गरीब कर दिया है। महंगाई कारण बच्चों को आज पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं भेजा जाता है क्योंकि निरक्षर हो रहे हैं,
और बेरोजगारी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आज जो है पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति नहीं मिल पा रहे हैं। आज पढ़ाई लिखाई बहुत जो है कहते हैं ना लो तरीका का हो गया, जहां पर आज दसवीं क्लास के बच्चे को भी सही रूप से कुछ भी लिखने नहीं आता है, तो कैसे हमारा शिक्षा भी काफ़ी विकसित हो पाएगा। तो ये सारे कारण जो है हमारे कहते हैं देश के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई है। सरकार तो कहते हैं ना एक क्षेत्र में करती है अपना पिट्ठी जो है थपथपा लेती कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती है कि ये काम तो आपका ही था, इसमें आपने कौन सी बड़ी काम कर दिया है। थोड़ा शिक्षा पर ध्यान दे दिया तो आपने बहुत बड़ा तरक्की कर गए हो, ऐसा नहीं होता है। आपने कुछ क्षेत्र में किया है आगे करें, आप ये क्या सोचिएगा कि सरकार जहाँ पर मेरा रहेगा वहीं पर मैं करूँगा। अरे भाई सरकार होने से कुछ नहीं होता है, हमने देश के लिए करना है, देश के लिए करना है कुछ भी। और हर एक सरकार का ये जो है प्राथमिकता होना चाहिए कि शिक्षा हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, इन पे जो है बहुत बड़ा करारा चोट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे देश में निरक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी खत्म हो जाए। और ये तब होगा जब आम जनता भी जागेगी। आम जनता जब तक अपनी लालच की पिटारा नहीं छोड़ेगी, लालच की पिटारा में नहीं पड़ेगी, तब तक जो है ये काफ़ी विकसित नहीं हो सकता। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाने बहुत ज़रूरी है, इसे सहभागी विकास भी कह सकते हैं। इदावी महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को उनके पुरुष साथियों, अधिकांश उनके पतियों ने गलत प्रयोग किया है। ये भी बात सही है कि आज अगर ग्राम क्षेत्र में देखोगे तो जो है पत्नी जो है अपना इलेक्शन जीतती है और पति का पूरा पूरा दबदबा होता है। तो ये जनरली हर एक गांव में देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि हम पंचायती राज्य पढ़ रहे हैं तो ये तो देखने को आम मिलती है। परंतु निश्चित रूप से इसे महिलाओं की हद कुछ हद तक जो है सशक्त किया भी है, वह अपने अधिकार और दायित्व के प्रति अधिक जागरूक होती जा रही है और कुछ मामले में तो अपनी शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। निश्चित ये बहुत ही सकारात्मक विकास का एक नमूना हो सकता है। नवीनतम संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासित निकायों को जो है वित्तीय संसाधनों को व्यापक किया गया है, फिर भी उन्हें पैसे की कमी है, उन्हें कर लगाने की शक्ति दी गई है पर वे पर्याप्त कर एकत्र नहीं कर पाते हैं। अंततः संसाधनों की कमी के कारण पंचायती स्वशासित संस्थाओं के रूप में अपनी भूमिका निभाने अथवा ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास करने में सफल नहीं हुई है। पंचायतों पर राज्य सरकार के अनेक नियंत्रण हैं और राज्य सरकार को उनके प्रस्ताव रद्द करने और भंग करने का एक अधिकार भी है। परंतु 73वें संशोधन में राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वह पंचायत राज्य संस्थाओं के भंग होने के 6 मास के अंतर अंदर उनको चुनाव करवाया जाए। यह आवश्यक है कि लोग लोकतांत्रिक ढंग से जो है निर्वाचित पंचायत में सक्रिय भागीदारी करें। इसे ग्राम सभा के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। ग्राम सभाओं के माध्यम से लोग जो है पंचायत से प्रश्न कर सकते हैं और स्पष्टीकरण की मांग भी कर सकते हैं। ग्राम सभा लोगों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं में तालमेल भी कर सकती है और ग्राम विकास की दिशा में नियोजित भी कर सकती है। ग्राम सभाएं तृणमूल जो है स्तर पर लोकतंत्र संरक्षण करने की भूमिका सफलतापूर्वक निभा सकती है। यदि उन्हें पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जाएं तो ग्रामीण क्षेत्र का संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति विकास मजबूत पंचायतों पर निर्भर भी हो सकती है। निम्नतम जो स्तर पर लोकतंत्र की बुनियादी रूप में पंचायतों को उनसे विश्वास जताकर उन्हें जो है पर्याप्त प्रशासकीय और वित्तीय शक्तियां देकर लोगों की जो है सक्रिय सतर्कता और भागीदारी को प्रोत्साहित करके सशक्त किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो कि ख़त्म हो जाता है और साथ में चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अगला चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है तो देखना मत भूलना।